नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में एक धमाकेदार चैप्टर हम पढ़ रहे थे, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में हमने थ्योरेटिकली जो जो बातें समझना थी वो सारी समझ ली है। अब हमें इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं काफी सारे, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ना है जो आज की क्लास में हम देखने वाले। तो बिना समय खराब किए क्लास की शुरुआत करते। इस चैप्टर में हमने वोल्टता, शक्ति, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, श्रेणी संयोजन और एलसी दोलन, श्रेणी संयोजन में जान लिया है हमने, साथ ही साथ इससे जुड़े बहुत बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अब हमें करने हैं आज की क्लास। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पिछले क्लास में कर लिए थे, आज और भी धमाकेदार न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एलसी दोलन। क्या पढ़ेंगे? एलसी दोलन। क्लियर है मामला? चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम श्रेणी संयोजन पे उदाहरण करेंगे, अनुनाद पढ़ेंगे और एलसी दोलन। ना हम अनुनाद एलसी दोलन के पहले एक और छोटी सी बात पढ़ेंगे, अनुनाद, या हम उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें करेंगे, अनुनाद आवृत्ति वगैरह क्या होता है और वहां पर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये सब हम देखने वाले। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। अच्छी तरह से रिविजन करवा दू या सीधे शुरुआत कर दू? ओके, लेट्स डू समथिंग रिविजन टाइप। तो हमने क्या क्या देख लिया? तो हमने देखा था कि सर अगर हमारे पास अगर एक चीज पता है हमें, क्या कि L, R और C तीनों श्रेणी क्रम में हो, तो यहां पर हमने देखा था कि इसमें जो विभवांतर होता है वो VR होता है, इसका विभवांतर VL होता है, इसका विभवांतर VC होता है, इसमें धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी हो सकती है, और इसमें अगर हमने V देखा तो V क्या होता है? V होता है अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और यहां पर अगर हमें V पता चल गया तो हमें I भी पता चल जाएगा, V बराबर I R। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V बराबर I इंटू R, R की जगह लिखना होगा Z। Z क्या होता है? इम्पीडेंस होता है या प्रतिघात होता है, और प्रतिघात को हम क्या लिख सकते हैं? सर प्रतिघात को हम लिख सकते हैं यहाँ से Z, या Z को लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल का स्क्वायर। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या देखा था? उसके अलावा सर हमने देखा था इसमें एक और cos phi, या अगर हम इसका फाय देखते पहले, तो अगर हम इसका त्रिभुज बनाना चाहे तो इसका त्रिभुज ऐसा कुछ बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर होगा सर XL माइनस XC, XL माइनस XC, और यहाँ पर होगा R, और यहाँ पर होगा Z। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? सर ये कोण हो जाएगा फाय, तो अगर मुझे टेन फाय निकालना हो, इसके लिए टेन फाय निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या होगा? टेन फाय बराबर हो जाएगा सर XL माइनस XC मॉड में बटे में आर। अच्छा, एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है? वन बाय ओमेगा सी। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? टू पाई एफ इंटू एल लिख सकते हैं। एक्सी क्या होता है? एक्सी होता है एक बटा ओमेगा सी, इसे मैं लिख सकता हूँ वन बाय टू पाई एफ इंटू सी। बोलो हाँ कि ना? अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि फाय जो होगा वो टेन फाय, टेन फाय ये बताएगा, फाय ये बताएगा कि यहाँ पर वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर कितना है। अगर यहाँ पर ऐसा हो गया, क्या हो गया कि एक्सएल बड़ा हो गया एक्सी से, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में यहाँ पर कौन आगे होगा? धारा आगे होगी या वोल्टता आगे होगी? सर उस कंडीशन में एक्सएल माइनस एक्सी बड़ा होगा, मतलब वी परिमाणी ऊपर की तरफ आएगा, मतलब वी जो होगा वी फाय से आगे होगा, फाई से आगे, सॉरी वी आई से फाई आगे होगा, वी आई से फाई आगे होगा। और अगर मान के चलो एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल से, तो कौन आगे होगा? धारा आगे हो जाएगी, धारा आगे होगी वी से फाई द्वारा, धारा वी से फाई आगे होगी। क्लियर है मामला? तो एक्सएल और एक्सी के बारे में बेसिक सी जानकारी मुझे पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, भैया क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये एक्सएल और एक्सी मुझे चल गया है पता, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर इसमें इनके मतलब संबंध पता चल गया, यहाँ पर टेन फाइव पता चल गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ी थी, इसको हमने क्या बोला था? कॉस फाइव, कॉस फाइव क्या होता है? कॉस फाइव होता है सर आर बटे में जेड, तो आर बटे में जेड जो होगा, इसे हमने शक्ति गुणांक कहा था। क्या कहा था हमने? से शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक या कॉस फाइव बोला था हमने। और यहाँ पर कॉस फाइव या शक्ति गुणांक जो होगा उससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पावर फैक्टर पता चलता है ना। यहाँ पर पावर क्या होती है? पावर होती है सर, अगर मैं औसत शक्ति की बात करूं तो, औसत शक्ति की बात करूं तो औसत शक्ति होगी वो कितनी होगी? औसत शक्ति जो होगी वो होगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये वी आर एम एस आई आर एम एस को क्या लिख सकते हैं?
हम इसे लिख सकते हैं पी एवरेज बराबर होगा वी नॉट बटा रूट टू, रूट टू इंटू आई नॉट बटा रूट टू कॉस फाइव। बोलो हाँ कि ना। हम एक चक्कर की औसत शक्ति है यह। क्लियर है मामला? चलिए बहुत बढ़िया, ये खूबसूरत सी बात है जो हमको पता होना चाहिए। हम जैसे इसका ट्रायंगल बनाए वैसे ट्रायंगल इसके लिए भी, वी के लिए भी बनाया जा सकता है। बाकी सारे सूत्र आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए, इसके बाहर कुछ जाने वाला है। इसी पर आधारित जितने भी सवाल आए सारे गत वर्षों के सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए, इसमें से अगर एक्स ही गायब होगा तो उसके हिसाब से कर लेंगे, एक्सल गायब होगा तो उसके हिसाब से, जो भी गायब होगा उसको यहाँ से गायब कर दो और बाकी सारे सूत्र समान रहने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट सी बात, वी बराबर आई इंटू जेड करेंगे तो अगर यहाँ पे वी आर एम एस लिखेंगे तो यहाँ पे भी आई आर एम एस आएगा, और यहाँ पे वी नॉट लिखेंगे तो यहाँ पे भी आई नॉट आएगा। मतलब यहाँ पर सर अगर शिखर मान होगा तो यहाँ भी शिखर मान, यहाँ आर एम एस मान तो यहाँ भी आर एम एस, लेकिन जेड में ऐसा कुछ नहीं होता, जेड के लिए तो एक ही सूत्र होता है हमेशा। ओके सर सवाल दिखाओ। अच्छा ये वाला सवाल मुझे लग रहा है हाँ ये कर लिया था मैं पिछली बार, कोई भी दिक्कत नहीं, फिर से कर देंगे हम ये वाला सवाल। सवाल में बोला हुआ है कि यहाँ पर प्रतिरोध में 30 ओम, प्रेरक में 60 ओम और संधारित्र में 100 ओम का विभवांतर है, तो हम यहाँ पर कितना विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं? तो वी लिखेंगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है वीएल और वीसी वाई अक्ष पे होता है और जेड अक्ष पे एक्स अक्ष पे होता है, तो ये सब वैल्यू दी भी है। कितनी दी भी है? ये दिया हुआ है सर 30 वोल्ट प्लस 60 माइनस 100 करो, 100 माइनस 60 करो, बात बराबर है, ये होगा अंडर रूट 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग और 3 और 4 का वर्ग करके वर्गमूल करेंगे तो 5 आता है, यही आएगा 50 वोल्ट। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे विभवांतर कितना है 50 वोल्ट है। और आगे बढ़ते हैं, मान के चलो हमें एक्सएल दिया हुआ है, हमें एक्सी दिया हुआ है, हमें आर दिया हुआ है, तो जेड का मान क्या होगा? कर लोगे क्या? जेड का मान निकालना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जेड कितना होता है? जेड होता है कंपैरेटिवली आसान चैप्टर। देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग में एक दो दिन में तुम्हें कठिनाई, एक आध दिन कठिनाई होती, लेकिन एक बार बेसिक चीजें समझ में आ गई तो जिंगल आला हो जाती है इस चैप्टर में लाइफ, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तब क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर। आर कितना है सर? आर तो है मेरे पास 100 का वर्ग प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल कितना है 300 माइनस एक्सी कितना है 200, तो कितना होगा सर? ये हो जाएगा वर्गमूल 100 इंटू 100, अरे 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 100 का वर्ग धन 100 का वर्ग, या ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 रूट 2, है ना। इनको दो जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट के अंदर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, 100 रूट 2। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 100 इंटू 1.414, या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 141.4 वोल्ट, तो 140, अरे रे 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 ओ, क्योंकि Z निकाला हमने, क्या निकाला हमने Z। क्लियर है मामला? तो ऐसे छोटा सा सवाल बन गया हमसे। और कुछ सवाल देखते हैं बढ़िया वाले, अब थोड़े और बेहतर है ना। देखो इस पे मैं तुम्हें रात भर टाइम पास करवाते रह जाऊं, ये दे दिया वो दे दिया निकाल के बताओ फॉर्मूले वैल्यू रखकर, कुछ बढ़िया करते हैं। हमारे पास आर के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर वी आर है, संधारित्र के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर वी सी है, और यहां पर वी आर वी एल है, तो हमें बताना वी आर के पदों में स्रोत का प्रत्यावर्ती विभव क्या होगा। तो कैसे करेंगे? ये भी ठीक ही है सवाल। वी बराबर होगा अंडर रूट, सूत्र क्या है? वी आर का वर्ग प्लस वी एल माइनस वी सी का वर्ग। ओके सर, अब यहां पर क्या होगा? अंडर रूट वी आर का वर्ग। वी आर कितना है? वी आर, वी आर है, वी आर ही है, क्योंकि वी आर के पदों में आंसर निकालना है, प्लस वी एल। वी एल कितना है? 3 वी आर है, माइनस वी सी कितना है? 2 वी आर है का वर्ग। तो यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं अंडर रूट वी आर का वर्ग प्लस वी आर का वर्ग, आई बात समझ में? वी आर 3 वी आर माइनस 2 वी आर, वी आर बचेगा तो यहां पे वी आर का वर्ग आ गया, या वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2 रूट 2 वी आर, तो रूट 2 वी आर इज अ वेरी करेक्ट आंसर, है ना। इनको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में से वी आर का स्क्वायर वर्ग के बाहर चले जाएगा तो वी आर बचेगा, 2 के ऊपर रूट बचेगा। और सवाल कर लेते हैं, कुछ बेहतरीन से सवाल करते हैं। नीट 2021 में पूछा गया बहुत लाजवाब सा सवाल, क्या बहुत ज्यादा लाजवाब है? नहीं, देखते हैं एक बार हम।
हमें बोला कि चित्र देखो, हमने देखा, हमको बहुत प्यारा लगा, अच्छा। फिर बोला कि यहाँ पर एक एल प्रेरक का प्रेरक लगा हुआ है, अच्छा, एल प्रेरक का प्रेरक है, बहुत बढ़िया। फिर बोला एक संधारित्र लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर उनके मध्य हमें विभवांतर दिया है 40, 10 और 40, ये तो हमें ऑलरेडी पता था, आता ऐसा करते। फिर बोला श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा धारा 10√2, तो प्रतिबाधा बतानी है। यहां पर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ये निकाल लो फटाफट, यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v परिमाणी √vr का वर्ग प्लस vl माइनस vc का वर्ग, तो क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा सर √40 का वर्ग प्लस vl माइनस vc, ये तो 40 है, ये vl माइनस vc कितना होगा, 40 माइनस 10, मतलब कितना हो गया, ये आ जाएगा 30। यहां से v का मान 50 वोल्ट आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया, मैं घर से याद करके लाया। ये 40 है, ये 40 माइनस 10 होगा कितना होगा, 30 होगा, तो 30 40, तो यही सवाल में 90% जगह यही हो रहा है पूरे फिजिक्स में, जब भी अंडर रूट में दो चीजों का योग होता है तो वहां 40 30 आ जाए, 50 आ गया, 3 4 5 होता है बस। अच्छा, अब हमारे पास ये v का मान आ गया। अब ये v का मान कौन सा मान है, अगर आपको यहां पर इसने बोला ये 40 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, और कुछ भी नहीं बोला, बोला ही नहीं, बोल के ही नहीं बताया कि अधिकतम मान है आरएमएस मान है, तो क्या सिखाया था मैंने तुम्हें कि अगर कुछ नहीं बोला सवाल में, देखो जोड़ा गया है विभवांतर क्रमशः 40 10 और 40 वोल्ट है, तो कुछ नहीं बोला मतलब ये क्या है, यह वी आरएमएस है, ये मान क्या है, ये मान है वी आरएमएस मान, जब भी कुछ नहीं बोला तो क्या माना, वी आरएमएस माना, क्या मानना है हमें, वी आरएमएस। अब क्या निकालना है, अब हमें प्रतिबाधा जेड निकालना है, तो क्या होता है, वी बराबर आई इंटू जेड होता है सर। अच्छा, वी कितना है, ओहो ये जो दिया हुआ है हमें, चक्कर पड़ गया सर, ये है वी मैक्स, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10√2, तो वी आरएमएस क्या होगा, वी देखो इसका आरएमएस, इसका मैक्सिमम मान निकाल लो या इसका आरएमएस मान निकाल लो, बात बराबर ही, ये वी आई वी आरएमएस है तो इसमें वी नॉट निकाल लो, या ये आई आरएमएस आई मैक्सिमम या आई नॉट है तो उसमें से आई आरएमएस निकाल लो, तो आई आरएमएस क्या होता है, मतलब कुल मिला के दोनों आरएमएस आरएमएस हो या दोनों वी नॉट वी नॉट आई नॉट हो, तो ये हो जाएगा आई मैक्स बटे में √2, ये हो जाएगा 10√2 बटे में 2√2, तो 2 ने 2 को मार दिया, कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। ओके सर, तो ये कितना हो गया, वी की वैल्यू हो गई 50, ये हो गया 10 × z, या 0 से 0 कट गया, जेड की वैल्यू होगी 5, 5 ओम इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ना देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें ये भी आंसर, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5√2 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर आंसर हो 5√2 बता रहे, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ है कि उसने यहाँ पे ये जो धारा है वो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो क्वेश्चन में उसने यहाँ पर 10√2 को आरएमएस मान मान लिया है, क्या मान लिया, आरएमएस। अगर मैं 10√2 को आरएमएस मान मान लूंगा, यहाँ पे 5√2 ओम आंसर आ जाएगा। तो अगर कहीं पर ऐसा आंसर आता तो उसमें करेक्शन करना है हमें, अधिकतम मान दिया है, ये क्वेश्चन जो ओरिजिनल आया था नीट में इंग्लिश के पेपर में क्लियर लिखा हुआ था, कि इंग्लिश में लिखा हुआ था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 10√2, क्लियर है मामला, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इसी प्रकार का एक और नीट 2022-20 में बहुत जबरदस्त भयंकर कॉमन सेंस का सवाल, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि हमें एक आरेक में कुछ कुछ ऐसा दिया गया है, फिर बोला है कि यहाँ पर एक एसी स्रोत से लगाया गया है और विद्युत वाहक बल और प्रेरक कुंडली से संयोजित किया गया है ना, तो यहाँ पर ये कोई कोई ये एसी स्रोत है और यहाँ प्रेरक लगा हुआ है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, कुंजी को बंद करने के कुछ समय पश्चात प्रेरक कुंडली के भीतर किसी आयरन की छड़ को धसा दिया जाता है, तो अब बल्ब की चमक क्या होगी, है ना, बहुत बहुत गजब का कॉमन सेंस का सवाल, इसमें कुछ नहीं सॉल्व करना, इसमें बस फील करना आना चाहिए आपको, क्या फील करना आना चाहिए, देखो ध्यान से ये बताओ कि यहां पर अभी जैसे ही मैंने स्विच बंद किया तो क्या होगा, सर स्विच बंद किया तो यहाँ पे प्रेरक है और यहाँ पे बल्ब, तो बल्ब जलने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि सर पहले बल्ब नहीं जल रहा फिर थोड़ी बाद जलेगा, ये एसी स्रोत है, एसी स्रोत तो कंटिन्यूअसली बल्ब जलता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये सोचो कि यहां पर लोहे की छड़ डालने से क्या होगा, यहां पर लोहे की छड़ डालने से क्या होगा, लोहे की छड़ डालने से, अच्छा इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये क्या है प्रेरक, तो प्रेरक का सर कुछ एक्सेल होता है, एक्सेल होता है सर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो स्रोत पर निर्भर करता है, तो मैं स्रोत बदल रहा हूं क्या, नहीं, यहां पर अगर मैंने छड़ डाल दी तो छड़ डालने से एल बढ़ जाएगा, एल क्या होता है, एल का मान होता है सर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, ऐसा कुछ कुछ याद है, एल होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ए होता है क्षेत्रफल, एल होता है लंबाई, अब अगर हमने यहां पर लोहे की छड़ डाल दी तो इसका म्यू नॉट है वो बढ़ जाएगा या म्यू आर इंटू म्यू नॉट आ जाएगा, है ना, तो यहां पर इसका एल बढ़ जाएगा, छड़ से एल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेल जो है वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेल बढ़ जाएगा, ओके सर, तो यहां पर अब एक्सेल जो है वो बढ़ चुका है, अब ऐसा समझो कि ये एक हमारे पास स्रोत है, इस स्रोत से कुछ विभवांतर आ रहा है या कुछ धारा जा रही है, तो कुछ धारा इसमें जा रही है और वही धारा इसमें भी जा रही है, अब क्या होगा सर, सर अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये अगर एक्सेल बढ़ा मतलब प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध क्या हो गया है, बढ़ गया है, अरे आई बात समझ में, किसका प्रतिरोध बढ़ गया है, ये प्रेरक का प्रतिरोध बढ़ गया, एक्सेल क्या प्रेरक का प्रतिरोध जैसे माना था हमने, तो मतलब इसका प्रतिरोध बढ़ गया, इसका तो प्रतिरोध समान है, तो इसका अगर प्रतिरोध बढ़ा तो इसमें विभवांतर बढ़ जाएगा, देखो इसका विभवांतर वीएल है, इसका विभवांतर वीआर है, अब इसमें वी बराबर क्या होगा, आई इंटू एक्सेल होगा, इसमें होगा आई इंटू आर होगा, तो प्रतिरोध तो बढ़ नहीं रहा, और यहां पर यह क्या है, यह दोनों श्रेणी में लगे हुए हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर एक्सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ गई मतलब इसके लिए वीएल बढ़ गया, तो इसको अब वो जो विभवांतर बल वाला ही क्वेश्चन है जिसे हम पहले करते थे, तो इसमें जो विभवांतर मिलेगा वो कम हो जाएगा, यहां पर वीआर क्या हो जाएगा, वीआर घट जाएगा, तो वीआर अगर घट जाएगा तो इसमें इसकी चमक जो है वो घट जाएगी, या बल्ब जो चमक रहा था वो अब कम चमकने लगेगा, है ना, मतलब बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी, या आप चाहो तो ये पहला तरीका था, ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, आई बराबर होता है सर वी बटे में जेड, वी बटे में जेड, ठीक है, तो अगर यहां पर जेड लिखूं मैं तो जेड क्या होगा, ये होगा सर विभवांतर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक्सेल बढ़ गया, तो एक्सेल बढ़ गया तो धारा कम हो गई, धारा कम हो गई मतलब क्या, बल्ब में से कम धारा जा रही है, तो बल्ब में से धारा कम हो गई तो उसकी चमक कम हो जाएगी, चमक घट जाएगी, ठीक है, ये चिंता मत करो, ऐसे सर ऐसे कुछ भी कर दिया तो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि संधारित्र में अगला नीट 2025 में सवाल, नीट 2024 में सवाल, नीट 2023 में सवाल क्या, कि यहां पर एक संधारित्र लगा देंगे, यहां पे क्या क्या, एक संधारित्र लगा देंगे और फिर एक बल्ब लगा दिया, अब बोला कि इसमें मैंने क्या करा, संधारित्र में मैंने एक बताओ भाई परावैद्युतांक डाल दिया, तो परावैद्युतांक डालते ही क्या हो जाएगा सर, फिर से कहानी उल्टी हो जाएगी, अब क्यों, देखते हैं क्या होगा, यहां पर जैसे ही परावैद्युतांक डालेंगे तो परावैद्युतांक डालने से यहां से सी जो है वो बढ़ जाएगा, परावैद्युतांक पदार्थ डालते हैं तो सी क्या होता है, धारा संधारित्र का, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है परावैद्युतांक डालने से, भूल गए सब डंडे लगाऊं तुम्हें चार में, सी बराबर एप्सिलॉन ए बटा डी होता है, तो यहां पर ये बढ़ेगा, एप्सिलॉन की जगह कोई अन्य पदार्थ लगा तो एप्सिलॉन आर के इंटू एप्सिलॉन देखा था हमने, तो के आ जाएगा तो सी बढ़ जाएगा, अगर सी बढ़ गया तो एक्स सी जो है बेटा वो था एक बटा ओमेगा सी, तो सी बटेगा तो एक्सी घट जाएगा, तो अगर एक्सी घट जाएगा तो यहां से एक्सी घट गया मतलब कि ये पूरा घट गया, तो धारा बढ़ जाएगी, तो इसमें चमक बढ़ जाएगी, ठीक है, संधारित्र में अगर हमने काम गड़बड़ करने की कोशिश करें, हमने सोचा कि इसमें एक प्रेरक तो सॉरी इसमें एक हम परावैद्युत पदार्थ डाल देते तो उसकी वजह से चमक बढ़ जाएगी, क्लियर है मामला, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें जो हमें सिंपल फॉर्मूले से पता चलती है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते और एक और बहुत जोरदार सवाल करते हैं ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल है,
प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल है ना। अच्छा ये ऑलरेडी दो सवाल और थे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें एक और चलो आगे पढ़ाता हूँ मैं फिर, है ना। ये पहले ये वाला प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, ध्यान समझना इस सवाल को। बाकी मैं चोक कुंडली देख रहा था, चोक कुंडली पर आधारित सवाल, वो मैं चोक कुंडली आपको पढ़ाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 50 वॉट का, क्या है सर, 50 वॉट और 100 वोल्ट का लैंप है, तो मतलब एक मेरे पास बल्ब है, बल्ब, तो बल्ब कितना चाहता है, बल्ब चाहता है 100 वोल्ट और कितने वॉट का है, 50 वॉट का बल्ब है, अच्छा, को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती आपूर्ति से जोड़ा जाता है। मतलब इसको किससे जोड़ दिया, इसे जोड़ा गया है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। लैंप के श्रेणी क्रम में कितने मान का संधारित लगाना आवश्यक होगा। देखो अभी संधारित्र भी बोल सकते हैं, प्रेरक भी बोल सकते हैं, पहले तो कहानी समझते हैं हम इसकी ना। देखो क्या कहानी है इसकी, मान के चलो ये एक बल्ब है ना, जैसे हमारी ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट के अंदर चोक कॉइल जो होती है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। क्या सिद्धांत है, देखो इसमें कोई ना फॉर्मूला भयंकर सा डिराइव नहीं होगा, वो तुम्हें सब कुछ आता है, इस चैप्टर में एक ही बात थी जो मैंने तुम्हें एक पन्ने में समझा दी, बाकी अब यहाँ पर कुछ और नई नई कॉमन सेंस की बात है। देखो क्या होता है, मान के चलो तुम्हारे पास एक बल्ब है, तुम्हारे घर में आ रहा है 220 वोल्ट, कितना आ रहा है 220 वोल्ट, लेकिन अब तुम्हें इस बल्ब को देना है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट पे एकदम बढ़िया चलेगा, तो इसमें मेरे को यहां पर एक और कुछ ना कुछ सर्किट एलिमेंट लगाना पड़ेगा या अवयव लगाना पड़ेगा, जिसके कारण यहां पर 100 वोल्ट हो, यहां पर ही कुछ विभवांतर दे दे। कितना विभवांतर दे दे, कितना विभवांतर दे दे, ये यहां पर विभवांतर दे दे, ये यहां पर विभवांतर दे दे, यहां पर ये विभवांतर दे दे, ये कितना विभवांतर दे दे, ये यहां पर दे दे 100 वोल्ट का। अगर यहां 200 वोल्ट है तो यहां 100 है तो यहां भी 100 वोल्ट का दे दे, या यहां 220 होता तो यहां 100 जा रहा तो यहां पे 120 वोल्ट खर्च करवाना है मेरे को, तभी बात बनेगी, वरना उसमें ज्यादा विभवांतर का तो फूट जाएगा तुरंत ही। तो यहां पर मुझे 100 वोल्ट विभव गिरवाना है, ठीक है, 100 वोल्ट विभव गिरवाना है, 100 वोल्ट का विभवांतर देना है। अब क्या ऑप्शन हो सकता है, सर विभव गिरवाना तो एक प्रतिरोध लगा दो, बिल्कुल सही बात, तो यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर एक प्रतिरोध लगा लेते हैं, तो 100 वोल्ट ये खा जाएगा, तो इसके पास कितना बचेगा 100 वोल्ट, बेसिक जो हमने विद्युत धारा में पड़ा होता है वैसा का वैसा। लेकिन तुम्हें पता है चक्कर क्या है, ये प्रतिरोध में से धारा जाएगी या इसका विभवांतर, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो ये शक्ति में हानि करवाएगा V² / R, मतलब मेरे को जितना ज्यादा विभवांतर तो उतना ज्यादा ये शक्ति में हानि करवाएगा, तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहली बात है बिजली का बिल बनाएगा हमारा, अरे ये बल्ब भी जल रहा है इसके साथ में फोकट में ही गर्म हो रहा है, तो हाँ बल्ब जल रहा है, उजाला ये दे रहा है, चमक ये दे रहा है, लेकिन जल ऐसा ये रहा है ना, ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ जिंदगी में, ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ दुनिया में, तब आएगा मजा, क्या कि जलो तुम, चमक तुम दो और जले तुम्हारे साथ वाले, ठीक है, मतलब कि तुम अगर एक ऐसे बल्ब बन जाओ, तुम एक ऐसे बल्ब बन जाओ जो तुम क्या दे रहे हो, तुम इस दुनिया को उजाला दे रहे हो, इस दुनिया को तुम रोशनी दे रहे हो, और तुम्हारे साथ वाले इसी चीज को देख के जल रहे हैं ना, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो अब ये किसी काम के नहीं है, ऐसे लोगों को हटाओ अपने जिंदगी से ताकि वो तुम्हारी मदद कर पाए, और ये बिजली का बिल भी ना खाए फालतू का, मतलब फालतू की ऊर्जा ना खाए, तो इसलिए हम यहां से प्रतिरोध को हटा देंगे ना, फिजिक्स के कण कण में जिंदगी है, तो इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि अगर ये सर शक्ति खाएगा तो मेरे लिए बिजली का बिल भी बढ़ाएगा, और मान के गर्म हो रहा है, फालतू में गर्म हो रहा है ये, तो है ना, तुम चमक दे रहे हो, तुम्हारी चमक के चलते ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, आग बबूला हो रहा है, तुम्हें झेल नहीं पा रहा है ये, तो उसकी वजह से थोड़ी देर में फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो इसे हटा दो यहां से, इसे हटाओ और यहां से हटा कर लगा दो एक प्रेरक, प्रेरक लगा दो या यहां पर लगा दो संधारित्र, कुछ भी है ना, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अब संधारित्र नहीं लगाते यूजुअली, प्रेरक ही लगाते, वो चोक कुंडली होता, मैं बताता हूँ प्रेरक क्यों लगाते, बाकी अभी तो इस क्वेश्चन ने बोला है संधारित्र लगाओ। अब सर संधारित्र में, संधारित्र ऊष्मा में हानि नहीं करवाएगा क्या, नहीं करवाएगा, क्यों, क्योंकि देखो संधारित्र में हमें पता है कि पी जो होता है या पावर जो होता है वो होता है VRMS IRMS cos φ, मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, और मैंने ये बात भी तुम्हें समझाई थी कि एक चक्कर में संधारित्र जो है, एक चक्कर में प्रेरक और संधारित्र का पी एवरेज जो होता है वो शून्य आता है,
एक चक्कर के लिए पी एवरेज, संधारित्र और प्रेरक उसमें प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है तो वो कुछ भी करने वाला नहीं है, तो उसके लिए एक चक्कर में यहां पर जो लॉस आता है वो शून्य आता है, तो ये कोई भी ऊष्मा में हानि नहीं करेगा। तो तुम्हें फील आ रहा है इस चीज का? अगर फील आ रहा है गदरा वाला फील, तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में आग लगा दो कि हाँ सर मैं इनको यहाँ पे प्रतिरोध यूज नहीं करना चाहिए, मूर्खता भरी हरकत होगी। ठीक है, जलूंगा मैं, उजाला मैं दूंगा, जलूंगा मैं और गर्म ये होगा ना, मेरी कामयाबी से जलेगा ये, तो इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे, प्रतिरोध की जगह मैंने प्रेरक लगाओ या संधारित्र लगा दो। अच्छा, अब बस ये संधारित्र का मान निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है। अच्छा, तो अब मेरे को एक ऐसा एक यहां पर मेरे को यहां पर यह संधारित्र की धारिता निकालनी, तो संधारित्र की धारिता कैसे निकाल सकता हूं, मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, V बराबर आई आर या V बराबर एक्ससी कर सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को यहां पर इसके लिए सी निकालना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मेरे को वोल्टता, हाँ सर वोल्टता तो पता चल गई, धारा नहीं पता, परिपथ में धारा नहीं पता, निकाल सकते हो क्या, कैसे निकाल सकते हैं सर धारा, देखो परिपथ में अगर हमें धारा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मान के चलो ये बल्ब है, ये बल्ब से निकलेगी धारा, बल्ब में वी इंटू आई बराबर पी करेंगे बल्ब के लिए, तो बल्ब है 50 वोल्ट का, यह विभव खा रहा है 100 वोल्ट का, तो इसमें धारा आ जाएगी, इसमें धारा कितनी आ रही है सर, इसमें धारा आ रही है 50/100, यह हो जाएगा 0.5 एम्पियर, कितनी धारा ले रहा है ये, 0.5 एम्पियर धारा ले रहा है, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब ये 0.5 एम्पियर अगर धारा ले रहा है, ऐसे लोगों से बचकर रहना जिंदगी में, है ना, कि जो यहाँ पे प्रतिरोध की भांति व्यवहार करे, कि इनकी भांति व्यवहार करवाना है प्रेरक या संधारित्र के भांति व्यवहार करवाना है, तो 0.5 एम्पियर धारा ये ले रहा है, अगर यहाँ पर 0.5 एम्पियर ये धारा ले रहा है तो अब इसको भी कितनी मिल रही होगी, 0.5 एम्पियर धारा, तो हम प्रतिरोध के लिए सॉरी संधारित्र के क्या लिख सकते हैं, संधारित्र के लिए क्या लिख सकते हैं, संधारित्र के लिए होगा सर फिर से V बराबर आई, देखो V अगर उसमें धारा उसका V लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहां पर क्या है सर 100, धारा कितनी है 1/2 या 0.5 × XL या XC। ठीक है, अगर अगर तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो तुम सीधे भी सॉल्व कर सकते थे क्या, कि यहां से इसका जो प्रतिरोध है वही प्रतिरोध इसका भी होना चाहिए, तो यहां से प्रतिरोध का मान निकाल कर भी हम कर सकते थे, बात बराबर ही है। तो क्या बोल जाते हो इतनी जल्दी जल्दी, कुछ कभी कभी समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा हूँ, इसका प्रतिरोध ये भी कर सकते, इसका प्रतिरोध निकाल ले, तो जितना प्रतिरोध इसका होना चाहिए उतना इसका एक्ससी भी होना चाहिए, क्योंकि ये 100 वोल्ट है तो ये भी 100 वोल्ट तभी होगा जब इसका प्रतिरोध बराबर होगा। अब दो बच्चे सोच रहे होंगे इसमें तो प्रतिरोध ही नहीं है, मूर्ख, इसलिए एक्ससी बोल रहा हूँ, इसका एक्ससी और इसका आर बराबर होना चाहिए, इसमें आर निकाल कर भी कर सकते थे, पी बराबर V² / R, उससे भी यहां से सी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक्ससी कितना आ गया हमारा, एक्ससी आ गया सर 200 ओम, कितना आ गया 200 ओम। अब मुझे क्या निकालना है, ये आई 0.5 या 1/2 एम्पियर लिखा हुआ है, ओके, अब एक्ससी हो गया 1/2, हमें क्या निकालना है, हमें सी निकालना, तो 1/2 πf × C, ये हो गया 200, ये हो गया 1/2 × π × फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाँ 50 Hz × C, बस ये मेरा आंसर है, या मैं सी की वैल्यू लिख सकता हूँ, देखो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1/2 π × 100 × 200, ये हो गया सी, और ये सी जो है वो फराड में आया, किसमें आया, फराड में, अगर आपको इसको माइक्रो फराड में, क्योंकि 99% हमें पता है सर आंसर किसमें दिया हुआ रहता है, माइक्रो फराड में दिया हुआ रहता है, इसे आप चाहो तो माइक्रो फराड में भी बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो, 10^6 से गुणा कर दो, तो किसमें बदल जाएगा, माइक्रो फराड में बदल जाएगा, तो हम चाहे तो इसे कितना लिख सकते हैं, हम द्रम द्रम द्रम, देखो 1/2 π × 10⁻⁴, ये तो मैं फराड में आंसर लिख चुका हूं। ठीक है, अगर आप चाहो ये 4 0 ऊपर चले गए, आप चाहो तो माइक्रो फराड में लिख लो, कैसे लिख दोगे, इसे गुणा करोगे 10⁻⁴ × 2π × 10⁶, अभी किसमें आ गया, माइक्रो फराड में आ गया सी की वैल्यू, तो यहां से कट जाएगा, ऐसे दो बचेंगे, तो 100 100/2 50 50/π 50/π माइक्रो फराड
आएगा जवाब, 50 बटे में π माइक्रोफरड आएगा जवाब। क्लियर मामला? चलिए, तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें चमकनी चाहिए। ओके सर, हमें एक और सवाल दिया हुआ है ना। अब ये सवाल जो है वह एग्जैक्ट पीछे वाले जैसा है, मतलब उसके जैसा सवाल है, लेकिन इसमें ये एल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या देखो, अब मैंने तुम्हें ये, मैं तुम्हें क्या लग रहा था, तुम क्या रॉकेट साइंस के, ये आरसी सर्किट सॉल्व कर लिया तुमने, लो ये आरसी सर्किट सॉल्व कर लिया, ये तुमने एल एलआर परिपथ सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम सब कर ले जाओगे। यहां पे हमें धारा दी गई है, प्रेरक का मान बताना है, वोल्टेज भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, लिख लो एक बार जरा तेजी में। वोल्टेज दिया हुआ है वी बराबर वी नॉट साइन 314 t, धारा दी हुई है 4 sin 314 t - π/4। अच्छा, पहले तो ये सोचो कौन सा परिपथ है। अगर मैं थोड़ा सा वो ट्राइंगल और एंगल जो मेरे दिमाग में है उसको लेकर आऊं, तो ऐसा है सर कि यहाँ है XL माइनस XC, लेकिन XC नहीं है, यहाँ पर R है, यहाँ पर Z है। तो 110% बात है सर कि वोल्टेज आगे होना चाहिए था धारा से, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब XL बड़ा हो XC से, अगर XC है ही नहीं तो XL ही बड़ा होगा। जब भी L फॉर लार्ज, L मतलब वोल्टेज लार्ज होगा, किसमें? L परिपथ में, तो यहाँ पर L है, तो इसमें वोल्टेज लार्ज होगा। देखो ज्यादा भी कितने, π/4 आगे, मतलब कुल मिला के एक पे हमने कोण दे दिया, ये कोण दे दिया हमें π/4, बस कहानी खत्म हो गई। हमें प्रेरक का मान निकालना है, हमें R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है सर 314 ओम। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर इस त्रिभुज को इधर ही बना देता हूँ, बार उधर उधर कहाँ ले जाए उसे, देखो मैं चाहूं तो इस त्रिभुज से आंसर लिख सकता हूँ सीधे सीधे, फिर से बना देता हूं मैं। ये होगा हमारे लिए एक्सएल हो जाएगा, सी है ही नहीं, ये हो गया आर, ये हो गया जेड, ये वाला कोण कितना है π/4। मुझे कहां से पता चला, ये लिखा हुआ है, अरे दिया हुआ ना, तभी तो ये दिया हुआ है कि ये से π/4 पीछे है, कौन, धारा पीछे, मतलब वोल्ट था π/4 आगे है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 10 π/4, क्योंकि मुझे जेड से मतलब नहीं है, एक्सएल और आर में संबंध, तो 10 π/4 मतलब 10 45 डिग्री, ये होगा एक्सएल बटे में आर। तो ये कितना हो गया है, एक, तो एक बराबर होगा एक्सएल बटे में आर, मतलब एक्सएल बराबर हो गया है आर के, कहानी खत्म ही हो गई। हमें प्रेरक का मान निकालना था, तो मान आ गया है, यहां से क्या आ गया, एक्सएल बराबर हो गया सर 314 ओम। ठीक है, हमें कहानी अभी थोड़ी, कहानी थोड़ी सी बची, हमें एल का मान निकालना है, एक्सएल एक्सएल नहीं निकालना, तो जगह 2π, अच्छा ये 2π की जगह मैं ओमेगा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, ओमेगा एल, ये तो 314 π ओम की, सॉरी। अब यहाँ पे ओमेगा कहां से पता चलेगा, ये रहा लाला ओमेगा, ये रहा लाला ओमेगा, तो 314 क्या है, ओमेगा है, तो जगह 314 × L बराबर होगा 314 के, तो 314 कट गया, L की माना गया 0। एक हेनरी आएगा है ना, कितने तुम में से जो इसको काट के 0 कर देते, एक आएगा ना, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, 0 नहीं बचा, माइनस नहीं किया हमने, काटा है। ओके चलो, ये दो क्वेश्चन हो गए थे हमारे। हाँ, ऐसे एक क्वेश्चन नीट 2010 में भी आया था है ना, ये सवाल भी हम कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला है कि हमारे पास वोल्ट मीटर V1 और V2 का प्रत्येक की वोल्ट था 300 वोल्ट है। आय है, मजा आ गया इसमें, तो ये दोनों कितने 300 वोल्ट है, और यहाँ पर V3 की वोल्ट था, पता नहीं है आपको V3 की वोल्टता कितनी होगी, साथ ही साथ बताना है आपको कि एमीटर का मान, मतलब धारा कितनी। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं बोला, इसमें भी कुछ नहीं बोला, मतलब क्या, ये सब RMS मान दिया हुआ है। तो V क्या होता है, V होता है सर अंडर रूट VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर। अच्छा, तो VL कितना है 300, VC कितना है 300, तो सर ये तो बराबर हो गए, मतलब V बराबर आ गया VR के। देखो अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस 300 माइनस 300 का वर्ग, तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो पूरा, तो V बराबर किसके आ गया, VR के आ गया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया है तो। ओके, तो अब यहां पर हमारे लोग, हमारे को पता चल गया कि V3 जो है वो VR के बराबर है, या VR जो होगा वह कितना होगा, वो आएगा 220 वोल्ट आ गया।
अब हमें क्या निकालना साथ ही साथ, 220 के सर दो ऑप्शन है, अब हमें धारा भी बतानी है। तो धारा क्या होता है, धारा होगा सर वोल्टता बटे में प्रतिरोध, क्योंकि इसकी वोल्टता इसका प्रतिरोध, तो धारा आ जाएगी इसकी, तो इसमें आ जाएगा सर 220 बटे में 100, या जीरो से जीरो कट गया, 2.2 एम्पियर आ गया, तो 2.2 एम्पियर, तो इस पूरे में से धारा जो है वो 2.2 एम्पियर पावर हिट हो रही है। तो ये मजेदार सी बात जो मुझे पता होनी चाहिए, क्लियर है मामला। चल और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत आगे ना बढ़ जाए, उससे पहले मैं तुम्हें चोक कुंडली समझा देता हूं। चोक कॉइल या चोक कुंडली, है ना, क्या होता है चोक कुंडली या चोक कॉइल में, हमारे पास मान के चलो ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये क्या है ट्यूबलाइट, तो अब ट्यूबलाइट जलना चाहती है, बिल्कुल सर, अब ट्यूबलाइट में हम कैसी धारा दे रहे हैं सर, ट्यूबलाइट में हम सीधे हमारे घर में जोड़ देते लाके, तो प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं। अब ट्यूबलाइट को 220 वोल्ट नहीं चाहिए, ट्यूबलाइट का जो ट्यूब आता है उसको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, 220 वोल्ट वो फूट जाएगा, उसको उससे कम चाहिए। जैसे अगर आप हमारे आसपास यहाँ पे जो भी लाइट वगैरह लगी हुई हो, है ना, तो इसमें भी अगर तुम देखो, या कोई भी लाइट, कोई भी एलईडी वगैरह देखो, तो उन सब में क्या होता है, उन सब में कुछ ना कोई ना कोई चोक लगा हुआ होता है, चोक कॉइल लगी हुई होती। कैसे, देखो एक मैं तुम्हें एग्जाम्पल लाकर बताता हूँ। हाँ भाई, तो ये चोक कॉइल आपने देखी होगी ना, ये एलईडी वगैरह देखी होगी आपने, ये कहाँ लगती है, दीवारों में ऐसी लग जाती है ऊपर, है ना, उजाला देने के लिए गोल एलईडी, तो इसके साथ में ये चोक कॉइल लगती। अब ये चोक कॉइल जैसे मैं बंधा रहा हूँ वैसी ही होती, लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन हुआ इन सब में, तो इसको मैंने तोड़ भी दिया तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसके अंदर तुम्हें एक सर्किट सा दिखता है, छोटा सा सर्किट है, तो छोटे से सर्किट में क्या देखो, ये एक कैपेसिटर है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये एक और कैपेसिटर है, यहाँ पे एक छोटा ट्रांसफार्मर टाइप भी लगा होता है, और ये एक 2.2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, और ये काले कलर का जो डिब्बी सी दिख रही है छोटी सी इसमें, है ना, ये क्या है, ये एक रिले कहलाता है। ये रिले जो है वो एक तरीके से, अभी हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे उसको जाकर, तो ये एक ट्रांजिस्टर होता है, जो ये जो कॉइल हम बता रहे उसकी जगह उपयोग में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इससे ज्यादा बेहतर होता है ना, ये पूरा जो सर्किट बना है उससे ज्यादा बेहतर है ना, और इसमें लॉस बहुत कम है, और ये इस पूरी एलईडी में, क्योंकि अब इसके अंदर एक्चुअल में एलईडी लगा हुआ है, ट्यूबलाइट और एलईडी में थोड़ा सा फर्क होता है ना, ये एलईडी लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसके लिए ये पूरा सेटअप लगाया जाता है। बाकी इस प्रकार की डिब्बी तुमने जरूर देखी होगी जो ट्यूबलाइट के ऊपर लगी होती है, जैसे देखो ये इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ भी होता है कि इसमें इनपुट कितना है आउटपुट कितना है, तो इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ 285 वोल्ट तक ये ले सकता है, भले ही हमारे घर में 220 आ रहा है, 285 तक खराब नहीं होगा, 285 इनपुट, और ये आउटपुट दे रहा है 40 वोल्ट, तो ये समझ रहे हो कि यहाँ पर जो ट्यूबलाइट है उसको केवल 40 वोल्ट चाहिए, जो एलईडी उसको केवल 40 वोल्ट तक चाहिए, तो बाकी सब कौन खा गया, बाकी सब यहां पर ये इंडक्टर खा गया, तो ये इंडक्टर जो होता है इसका कुछ होता है एक्सेल, है ना। अच्छा, अब ये जो कुंडली होती है, कुंडली मतलब कि इंडक्टर हो गया, है ना, कुंडली इंडक्टर है ही क्या, एक कॉइल को ऐसे गुल 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 घुमा दिया, एक तार को गुल गुल घुमा दिया, तो वो इंडक्टर बन गया। तो कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है, आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम स्मॉल आर भी बोल सकते हैं, ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो इसका खुद का कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध जो है वो केवल बैटरी ही, सॉरी ये हमारे पास एक ट्यूबलाइट ही है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सर कि जैसे इसमें हम धारा निकालेंगे, तो धारा कैसे निकलेगा, वी बटे में जेड से, और जेड क्या होगा, जेड जो यूजुअली हम निकालते हैं ये हो जाएगा सर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल को हम चाहे तो हर बार की तरह ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा क्या हो सकता है सर, यहाँ पर हमसे पावर वगैरह पूछते हैं, तो पावर भी वी इंटू आई इंटू कॉस फाई कर निकाल सकते हैं, कॉस फाई जैसे यूजुअली निकालते हैं, जेड का मान हमने निकाल लिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर से। और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो जैसे हमारे पास ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2012 में। अच्छा, एक और बात याद आई मुझे, नीट 2016 का एक सवाल है इसी चैप्टर का, एसी का, हमारे मॉड्यूल में भी होगा,
उसमें एल दिया हुआ है, आर दिया, देखो सुन लो ध्यान से, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है और शक्ति पूछी है या शक्ति अव्यय पूछा है। वो सवाल हमें नहीं करना है क्योंकि वो सवाल का कैलकुलेशन बहुत भयंकर कैलकुलेशन है ना। उसने एल दे दिया, सी दे दिया, आर दे दिया और ओमेगा दे दिया। अब पहले एक्सएल निकालो, एक्सी निकालो, फिर उसके बाद में जेड निकालो, पूरा कैलकुलेट करो, तो वाला सवाल आप छोड़ सकते हो। और सर अगर नीट में आ जाए तो भी छोड़ के आ जाना ऐसा सवाल, ठीक है। तो उसमें इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोच तो एक्सएल निकाल रहा है, फिर एक्सी निकाल रहा है, फिर उसमें एक्सएल माइनस एक्सी कर रहे हो, फिर उसका स्क्वायर करके उसको आर के साथ जोड़ो, सब अलग अलग नंबर है, इसमें कोई कॉमन वॉमन नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर एक और सवाल दिया है, हमें बोला हुआ है कि यहाँ पर ताक्षणिक धारा और वोल्टता दी हुई है, तो औसत शक्ति कितनी होगी, तो पी एवरेज क्या होता है, पी एवरेज होता है सर। अब यहाँ पर मेरे पास अधिकतम मान है, सूत्र होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास अधिकतम मान, तो मैं लिख सकता हूं वी नॉट आई नॉट बटे में दो, ये बताया था मैंने तुम्हें, या अगर तुम्हारा मन नहीं है इसको करने का तो इसमें से ये आई नॉट का मान है, ये किसका मान है, आई नॉट का मान है, ये किसका मान है, वी नॉट का मान है, तो उसमें से तुम आरएमएस मान निकाल सकते हो ना। इसको क्या करोगे, आरएमएस मान निकालने के लिए बटे में रूट दो कर दो, तो वो हम कर सकते हैं। बाकी अभी तो मैं वैल्यूज रख देता हूँ, वी नॉट का मान कितना है एक बटा रूट दो, आई नॉट का मान कितना है एक बटा रूट दो, ये बटे में दो, कॉस फाइ, फाइ कितना है, इसमें कलांतर दिया हुआ साफ यहाँ पर, पाई बाय थ्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री में बोल सकता हूँ, दो रूट दो इंटू रूट दो, दो हो जाएगा, तो एक बटा दो बटे में दो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 मतलब कितना होता है, कॉस 60 होता है सर एक बटे में दो, कॉस 60 क्या होता है एक बटे में दो होता है, रूट तीन बटे में दो नहीं होगा, एक बटे में दो होगा। ओके सर, तो यहां पर अब हमारे पास आ गया आंसर, कितना गया, दो इंटू दो चार, चार आठ, एक बटा आठ आ गया है ऑप्शन, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमसे बनने चाहिए। अभी मैंने आपको जितने पी वाई क्यूज ऑलमोस्ट सारे करवा भी दिए इस चैप्टर में और सारी इंपॉर्टेंट बातें भी हो गई है। हाँ, 2015 का एक और जबरदस्त सवाल, सवाल में बोला गया, ये एक्चुअली ये वाला सवाल है जो 99.99% बच्चों को डाउट जाता है, इवन जिसके टॉप 100 में रैंक जा रही वो भी एक बार में नहीं कर पाता ये सवाल, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा घुमा कर बात बोली गई है। क्या बोला है, एक प्रतिरोध है जिसमें आर प्रतिरोध है और शक्ति पी है, तो एक मेरे पास प्रतिरोध है इसमें शक्ति पी है, अच्छा, जब एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़े हुए हैं, ओके, यदि एक प्रेरकत्व को प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब एक प्रेरकत्व को इसी प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहां पर इसका कुछ ना कुछ एक्सेल होगा, तो बोला है कि यहां पर इस परिपथ में पूरा मिलाकर बोला है, ये इसमें जेड हो जाता है इसका प्रतिघात। अब इसमें शक्ति बतानी, पूरे परिपथ की शक्ति बतानी, तो शक्ति पी डैश हो जाएगी, शक्ति क्या हो जाएगी, पी डैश हो जाएगी। अब शक्ति होती क्या है, शक्ति होती है सर पी डैश जो होगा वो होगा पी इन वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आर बटे में जेड कॉस फाई की वैल्यू होगी। अब वी इंटू आई निकालना है हमें, क्या निकालना है, वी इंटू आई। अब आंसर जो है पी के पदों में, अब पी क्या है इसका, इसका पी क्या होगा, अच्छा क्या हम यहां से P लिख सकते हैं, ये V वोल्टता पे लगा दो, तो P बराबर लिख सकते हैं V स्क्वायर बटे में R, हाँ सर ये लिख सकते हैं V स्क्वायर बटे में R, ओके। तो अब यहां पे लिख लेते हैं ये V, तो हमें अभी भी V क्योंकि उसने बोला उसी उसी परिपथ में जोड़ा है, मतलब वोल्टता समान है, धारा बदल गई, तो धारा को हम लिखते हैं V बटे में Z, धारा क्या होती है V बटे में Z होती है, धारा क्या होगा भैया V बटे में Z ही होगा धारा, cos phi R बटे में Z, ओके। तो यहां पर हो गया V स्क्वायर इंटू आर बटे में जेड का स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, लेकिन आंसर वी स्क्वायर के पदों में नहीं है, वी तो मैंने माना था, आंसर है पी के पदों में, तो वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को यहां से दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, आर इंटू पी जो होगा वो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको उठाकर अगर मैं यहां पर चिपका दू, वो थोड़ा सा मिट चुका है, अब हमें फटाफट फिर से लिखना होगा, वी स्क्वायर बटे में आर लिखा था यहां पर, तो यहां से मैंने बोला तुम्हें कि P इंटू आर ये जगह V स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पे एक प्रेरकत्व है, ये R हो जाएगा या XL हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर Z दिया हुआ है, तो मैं बता रहा था आपको कि यहां पे शक्ति जो होगी वो P डैश होगी, तो ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू कॉस फाइ, तो V V की वैल्यू उठा के वहां से रख लो, तो P इंटू आर इंटू आई की वैल्यू लिखी थी मैंने
अच्छा एक काम करो, पहले मैंने क्या करा था इसमें फिर से स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। v तो रहने दो, i की जगह क्या लिख सकते हैं, v बटे में z इंटू कॉस स्क्वायर होगा r बटे में z, इतना मैंने कर दिया था। अब v इंटू v, v स्क्वायर होगा और v स्क्वायर की वैल्यू वहां से रख दो, तो v स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू r बटे इंटू r बटे में z इंटू z, z का स्क्वायर हो गया है। तो यहां पर हो जाएगा पी इंटू आर बटे में जेड का स्क्वायर, ठीक है, आर इंटू जेड का स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला? तो ये बेसिक सी बात है, मुझे पता होना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एआईपीएमटी 2015 का सवाल। चलिए अब यहां पर हम इस कहानी को रोकते है ना, सवालों की झड़ी को रोकते और हम कुछ जो बेसिक सी थ्योरी वाली बात बची उसे पढ़ लेते। कुछ छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से पद मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। अभी जो मैं पद आपको पढ़ाऊंगा, ये पद जो है, ये पद किसके लिए है, ये पद जो है इस पे सीधे सीधे सवाल आते हैं ना। अभी हमने जो पढ़ा उसको और थोड़ा गंभीरता से और बढ़िया से समझने में ये सारी बातें हमें मदद करेगी। ये सब क्या लिखा हुआ है, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहानियां या कुछ बातें समझना चाहता हूं। हमने कुछ ग्राफ पढ़े थे, हमने आपको बोला था कि ओमेगा और एक्सएल के बीच में ग्राफ बताओ, तो आपने बताया था कि सर ये सीधी सरल रेखा होगी ना, क्यों, क्योंकि जो ओमेगा होता है या ओमेगा इंटू एल जो होता है वो एक्सएल के बराबर होता है। इसी प्रकार से एक और ग्राफ हमने बनाया था, कौन सा ग्राफ बनाया था, एक्ससी इंटू ओमेगा, सॉरी एक्ससी और ओमेगा के बीच में, तो एक्ससी क्या था, एक बटा ओमेगा सी था, एक्ससी जो था वो एक बटा ओमेगा सी था। तो इन दोनों ग्राफ को मिला देंगे तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ पे कटेगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मान के चलो यहां पर R भी आ जाए, R भी आ जाए मतलब प्रतिरोध भी आ जाए, तो यहां पर अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं एक Z का, किसका ग्राफ बनाना चाहता हूं मैं, Z का ग्राफ बनाना चाहता हूं मैं ओमेगा के साथ, और Z क्या है, Z है अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पे R नहीं होता है तो ये दोनों ग्राफ यहां पर ये ऐसा बनेगा और ये आगे निकल जाएगा कटरी वाले कटान बिंदु से, लेकिन अगर R भी होगा तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बनाकर बताया था Z और ओमेगा के मध्य ग्राफ। अब इस ग्राफ की एक खास बात है कि एक ऐसा बिंदु है जहां पे Z जो है वो मिनिमम आ चुका है, Z क्या आ चुका है, मिनिमम आ चुका है, इसे हम बोल सकते हैं ओमेगा नॉट बोलते थे, एक ऐसी आवृत्ति जिसके लिए Z का मान न्यूनतम आ जाए किसी भी एलआरसी श्रेणी परिपथ में, मतलब एलआरसी तीनों श्रेणी में लगे हुए, तो Z का न्यूनतम मान, अब सोचो यहां से Z का न्यूनतम मान कब हो सकता है, तो Z का मिनिमम मान कब हो सकता है, Z मिनिमम होगा जब हमारे पास XL बराबर XC होगा, क्या होगा, XL बराबर XC होगा, तब Z मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। देख अगर ये वाला पद हट ही जाए, ये वाला पद गायब हो जाए, गिलीग्रीच हो जाए, तो R बराबर Z बराबर क्या हो जाएगा, Z मिनिमम जो होगा वह R के बराबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ये पूरा गायब हो गया, ये पूरा देख गायब कर दिया मैंने, तो अगर ये पूरा गायब कर दिया मैंने तो यहां पर गायब हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, R स्क्वायर का रूट, तो वो R ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, तो अब अगर मुझे ये समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे XL बराबर XC कब होगा, तो वो भी निकाल सकता हूँ। XL का मान क्या होता है, XL का मान होता है ओमेगा इंटू एल, XC का मान क्या होता है ओमेगा सी, बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट बराबर होगा एक बटा, देखो ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ये एल इंटू सी नीचे आ जाएगा, तो अगर मैं इसमें रूट ले लूं तो यहां से हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट एल सी, या मैं इसे ओमेगा नॉट बोल सकता हूं, है ना, मैं इसे क्या बोल देता हूं ओमेगा नॉट, ये वह कोणीय आवृत्ति है जिसके लिए यहां पर Z का मान मिनिमम हो जाता है और XL और XC बराबर हो जाता है, तो इसको मैं बोलूंगा ओमेगा नॉट और इसे ही मैं बोलूंगा अनुनाद आवृत्ति, क्या नाम दिया मैंने इसे, अनुनाद आवृत्ति, ओमेगा नॉट जो होगा वो एक बटा ओमेगा सी होगा, या अनुनाद कोणीय आवृत्ति हम इसे बोलेंगे। ओमेगा नॉट क्या होता है, 2πf बोल सकता हूं मैं, से एफ नॉट लिख दूं मैं, से ये हो जाएगा एक बटा एल सी,
ये एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 pi under root LC। ये बात आपको आधी नींद में भी याद होना चाहिए कि सर यहां पर 1/√L × C जो होगा, 1/√L × C जो होगा वह कोणीय आवृत्ति होता है और यह अनुनाद की कोणीय आवृत्ति होता है। उसके बारे में और भी बातें करें उससे पहले एक स्टार पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं मैं यहां पर कि R × C की विमाएं जो होती है, मैं अजीब ही बात करने लग गया एकदम से, विमा कहां से गई? हाँ, ये तो आगे बहुत मदद करेगा मेरे प्यारे, ध्यान से सुन। R × C की विमा T के बराबर होती है, ये हमने पहले ही देख लिया था, क्यों RC परिपथ में देखा था। L/R आर की विमा भी किसके बराबर होती है? टी के बराबर होती है, ये भी हमने आरसी परिपथ में देख लिया था। एक और नई बात हमें देखने को मिली है यहां से कि सर √L × C की विमा भी टी के बराबर होती है। ये देखो ये क्या आवृत्ति, आवृत्ति तो 1/T, तो 1/T की विमा होगी √LC के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए कि सर किस किस को मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या मिल सकता है। जैसे हमने आरसी देख लिया, LR देख लिया और LC में √T मिल सकता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर 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 भी मैं टी स्क्वायर वगैरह की गणना कर सकता हूं या हमसे इसको उलझाया जा सकता है। तो ये विमीय रूप से हम चीजों को सेट कर सकते हैं। चलो हो गया खत्म, बस अब वापस इसके आते हैं। अभी एक्चुअल में है क्या, जब परिपथ में प्राकृतिक आवृत्ति आरोपित वोल्टता की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, मतलब मेरे पास एक LRC परिपथ है तो उसमें कोई ना कोई से आवृत्ति पर वो कुछ एक्सेल होगा, कुछ ना कुछ मैं बाहर से दे रहा हूं। मैं कहां से दे रहा हूं? मैंने यहाँ पे एक LRC परिपथ बनाया था, ये इतने सारे LRC परिपथ बनाए हुए, हमने यहाँ पे एक LRC परिपथ बनाया हुआ था। तो इस LRC परिपथ में यहां पर इसका कुछ ना कुछ एक्सेल है, इसका कुछ ना कुछ XC है, तो इसकी आवृत्ति और जो बाहर से मैं आरोपित कर रहा हूं वो आवृत्ति बराबर हो तो ऐसे परिपथ में ऐसे परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। ये स्पेशल कंडीशन है अनुनाद, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। अब इसका क्या यूज होता है वो भी हम देखते हैं। अभी अनुनाद के लिए परिपथ में एल तथा सी दोनों अवयव की उपस्थिति होना चाहिए, एल और सी दोनों होंगे तभी अनुनाद होगा। तो 99% जगह सवाल यही पूछते हैं कि अनुनाद आवृत्ति क्या है, एल दे देंगे, सी दे देंगे, आर दे देंगे, तो ये अनुनाद आवृत्ति हमें मिल गई। अच्छा, अब इसके अलावा ये हमने इसका जेड का ग्राफ बनाया, अब मैं इसका बनाने जा रहा हूं धारा का ग्राफ। अब आएगा मजा, ये है ओमेगा, ये है ओमेगा और ये है आई, ओमेगा और आई के मध्य ग्राफ बना रहा हूं। तो देखो कैसे बनेगा, यहां पर मुझे पता है कि सर अगर मेरे को यहां से जेड वेड मिल चुका है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो आई बराबर क्या होता है, वी बटे में जेड। तो जब जेड मिनिमम होगा तो आई जो होगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होंगे, विपरीत होंगे। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा वो ग्राफ? कहीं यहां से शुरू होगा और वो ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा और ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो उल्टा ग्राफ बना, ये ऐसा था, ये घुमाकर उल्टा ग्राफ बना। तो ये वह आवृत्ति है, यह वह आवृत्ति है ओमेगा नॉट, जिसके लिए धारा क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है। ये धारा क्या आ गई है? अधिकतम धारा आ गई है। तो इसे हम बोल सकते हैं आईमैक्स, ये आई हो गया और याली धारा क्या आ गई है? आईमैक्स आ गई है, ठीक है। और यह हो गया ओमेगा नॉट, हो गया क्लियर है? ओके सर। अब यहां पर अगर ये ओमेगा नॉट आ गया है, ये ओमेगा नॉट आ गया है, तो अब हम इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें देख सकते हैं, ये समझना होगा। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये ओमेगा नॉट में ही, मैं दोनों परिपथ को मिलाकर ही बात कर रहा हूं। ओमेगा नॉट अगर मान के चलो हमारी जो बाह्य आवृत्ति है वो ओमेगा नॉट से कम हो जाए, मतलब कि मैंने कोई आवृत्ति लगाई, हाँ सर मैंने कोई ना कोई आवृत्ति लगाई, जिसे मैंने कुछ ना कुछ आवृत्ति दी, जैसे मैंने परिपथ में अगर मान के चलो यहां पर मैं बाह्य आवृत्ति दे रहा हूं, ये v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो अगर ये आवृत्ति जो मैंने दी वो मैंने देखो ओमेगा नॉट तो मैं निकाल सकता हूं, तो मेरे वो तो मेरे परिपथ में आ गया, एक्सएल अंडर रूट 1/√L/C की वैल्यू, तो 1/√LC की वैल्यू तो निकाल सकता हूं मैं। तो अगर मैंने जो इसे बोलते हैं आरोपित आवृत्ति,
आरोपित उल्टता है ना, तो आरोपित उल्टता ये रही, आरोपित उल्टता या आरोपित आवृत्ति, तो यदि मान के चलो आरोपित उल्टता जो है वह ओमेगा कम हो गया ओमेगा नॉट से, क्या हो जाए कम हो जाए ओमेगा नॉट से, तो इस कंडीशन में या यहां पर इस पूरी कंडीशन में यहां से यहां तक यह जो हमारा परिपथ होगा इसमें क्या बड़ा होगा ये बताओ, एक्सएल बड़ा होगा या एक्सी बड़ा होगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लड़ाओ अपना कि सर ओमेगा की वैल्यू जब छोटी होगी, ओमेगा की वैल्यू छोटी होगी तो एक्सी बड़ा हो जाएगा एक्सएल से, क्योंकि ओमेगा मान के चल मैंने जीरो कर दिया, ओमेगा क्या कर दिया जीरो कर दिया, तो अगर ओमेगा जीरो हो गया, ओमेगा जीरो हो गया, ओमेगा बहुत कम बहुत कम बहुत कम जीरो हो गया, तो एक्सएल जीरो हो जाएगा, अगर मैंने एक्सएल को जीरो कर दिया या सॉरी ओमेगा को जीरो कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, तो एक्सएल भी जीरो हो जाएगा और ओमेगा एक्सी जो है ओमेगा जीरो होने की वजह से बहुत बड़ा एक बटा जीरो या अनंत हो जाएगा, तो एक्सी बढ़ेगा इस तरफ, ये एक्सी परिपथ है या हम इसे बोलेंगे ये धारतीय परिपथ है, धारतीय परिपथ। अच्छा मैं वहां लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, बस हमें ध्यान रखना कि इसमें एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, यह क्या कहलाएगा धारतीय परिपथ या पूर्णतः धारतीय परिपथ नहीं है लेकिन धारतीय परिपथ है, मतलब इसमें क्या है, इसमें धारा इसमें संधारित्र प्रमुख है, यह हो जाएगा धारतीय परिपथ। अच्छा अब इसी प्रकार से मान के चलो ओमेगा का मान ज्यादा आ गया ओमेगा नॉट से, ओमेगा का मान ज्यादा आ गया ओमेगा नॉट से, मतलब ओमेगा बढ़ गया, तो ओमेगा बढ़ा तो एक्सएल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एक्सी से, और ये कहलाएगा प्रेरकीय परिपथ, क्या कहलाएगा ये प्रेरकीय परिपथ, मतलब यहां पर एक्सएल जो है वो बड़ा है एक्सी से, प्रेरकीय परिपथ कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा सर अब इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा क्या होता है, यहां पर बस ये इतनी बातें हमें समझना थी। अब इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात होती है, इसका मैं थोड़ा सा दो लाइन में दो मिनट में प्रैक्टिकल यूज समझाना चाहता हूं मैं आपको। क्या होता है जैसे मान के चलो तुम्हें सुनना है 98.3 रेडियो मिर्ची बजाते रहो, तो अगर तुम्हें रेडियो मिर्ची सुनना है FM पे, तो तुमने अब मैं वो डिजिटल वाली बात नहीं, मोबाइल के FM की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने अगर पहले के जमाने में रेडियो वगैरह देखो तो उसमें ऐसा एक रोटर लगा हुआ था, रोटर घुमाओ 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 घुमाओ, फिर वो उसके ऊपर एक डंडी रहती थी, घूमती 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 थी और एकदम से एक फ्रिक्वेंसी वो कैच करती थी और एकदम आवाज आने लग जाती थी, हमारे रेडियो में गाने बजने लग जाते थे। वो क्या होता था, ये है वो LRC परिपथ है। एक्चुअल में आपके आपके रेडियो में वो जो ट्यूनर लगा हुआ होता है जिससे आप चैनल सेट करते हो, वो उसके अंदर एक LRC परिपथ फिट होता है। अब ये काम कैसे करता है ये देखो, हमारे आसपास बहुत सारी तरंगे आ रही है, अनंत तरंगे, मतलब अभी मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे पास बहुत, मैं अगर मैं मान के चलो मेरे को एक ऐसी शक्ति मिल जाए तो मैं विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश के अलावा सारी प्रकाश देख सकूं देख पाऊं, तो मैं शायद तुम्हें देख भी ना पाऊं, कुछ समझ ही नहीं आएगा मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियो वेव्स भी आ रही है। रेडियो वेव्स कैसे आ रही है, यहाँ पर ये देखो ये मेरे पास एक रिसीवर है, वहां पर कैमरे के सामने कैमरे में भी कैसे डब्बा रखा हुआ है जिससे मेरी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है, और यहाँ पे मोबाइल का टावर आ रहा है, वाईफाई लगा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो इतने सारे तुम्हें आसपास उजाला दिख रहा है, इससे IR रेडिएशन निकल रहे हैं, लेकिन हमें दिखता क्या कि दृश्य प्रकाश दिखाई देता है, तो अगर ये सब भी हमें दिखाई देने लग जाए तो खतरनाक हो जाए, है ना। तो मान के चलो वो हमारे एनवायरमेंट में रेडियो वेव से, तो अब रेडियो वेव से रेडियो की तरंगे, तो हम 98.3, अच्छा इसके आगे क्या होता है मेगाहर्ट्ज़ होता है, क्या होता है मेगाहर्ट्ज़, तो अभी हम मेरे पास मेरे कमरे में 98.3 भी आ रहा है, 94.5 Red FM भी आ रहा है, और 92.8 होता है शायद, है ना, MyFM, तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज आ रही है,
लेकिन वो रेडियो कैसे पता चला कि कब क्या बजाना है? सर वो हमने ट्यून करा। हाँ तो क्या करते हो तुम एक्चुअल में, तुम क्या करते हो जब उसे घुमाते हो तो वहां पर एल और आर देखो क्या होता है, जब हम उसे घुमाते तो एल आर सी तीन चीजें, उसे घुमाने से हमारा हमारे लिए प्रेरक का मान बदल जाता है। अब प्रेरक का मान जब बदलता है तो उसमें एल और सी का कॉम्बिनेशन मिलके एक ऐसी फ्रिक्वेंसी के बराबर, मतलब देखो अगर मान के चलो एल और सी है, अब अगर मान के चलो ऐसी कुछ है, ये तो मैंने माना एल और सी नियत है तो उसके लिए हमने ऐसी कुछ बात करी है, फ्रिक्वेंसी हमारी फ्रिक्वेंसी बदल रही है उसके लिए बात करी, लेकिन अगर मान के चलो तुम हमारे अपने परिपथ में एल बदल पाओ तो एल और सी का एक कॉम्बिनेशन या एल बदल पाएंगे तो ओमेगा जो होगा, देखो ओमेगा नॉट जो है वो 1/√LC के बराबर आ गया, तो मैं एल बदल रहा हूं तो एल की हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी, और ओमेगा नॉट क्या 98.3 रेडियो मिर्ची बजाते रहो, तो एल की एक ऐसी देखो सी नियत रहता है, सी को नहीं बदलते हम, एल को बदल रहे हैं, तो एल जब बदलता है तो एल की हर एक बार एक ऐसी नियत वैल्यू आ जाती है सी के साथ कि वो कुछ ना कुछ ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है या वो कुछ ना कुछ आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो अगर ये सी के वैल्यू सी और एल में अगर एल और सी इंटू की पूरा सॉल्व करने पर 98.3 मेगाहर्ट्ज आ जाता है तो तुम्हें रेडियो मिर्ची सुनाई देने लग जाएगा, ये दोनों 92.5 रेड एफएम आ गया तो वो तुम्हें रेड एफएम, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड एफएम के बराबर होगी तो तुम्हें रेड एफएम सुनाई देने लग जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे हमारा रेडियो काम करता है। अब इसमें भगवान की कृपा से ना, ये इसकी कृपा तो मतलब बहुत खतरनाक तरीके से समझ आना थोड़ा मुश्किल भी होता है ना, क्या है ये, हमने ऐसा ट्यून कर देखा कि जैसे मान के चलो कि तुमने अगर गौर किया तो 98.3 पे रेडियो मिर्ची बदल रहा है, लेकिन 98.2 पे भी हल्का हल्का सा साउंड सुनाई देता है, 98.1 पर कुछ नहीं सुनाई देता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, जो हल्का हल्का सा साउंड फिर भी खर 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 करके आवाज आ रही है, वो क्या चक्कर होता है, यहाँ पर एक और करंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाफ पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं हाफ पावर फैक्टर, और ये होता है I/√2 या IMAX/√2, IMAX को I0 बोल दो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये होता है I0/√2। तो इसमें क्या होता है, ये I0/√2 में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये ओमेगा नॉट से ये पूरी जो दूरी है इसे हम डेल्टा ओमेगा या बैंडविड्थ कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, बैंडविड्थ, डेल्टा ओमेगा क्या है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। अब एक बैंडविड्थ निकालने का डेरिवेशन होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम डेरिवेशन में नहीं जाना चाहेंगे ना, और वो डेरिवेशन बोर्ड में भी बहुत बहुत कम बोर्ड है जो उसे पूछते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई बोर्ड नहीं हिंदी भाषी में तो कि वो उससे कोई पूछ रहा हो ना, डेल्टा ओमेगा खतरनाक सा डेरिवेशन भी होता है। अच्छा चलो वो अभी हम देखते हैं उसे, ये डेल्टा ओमेगा क्या होता है वो समझते पहले तो। अब ये हाफ पावर फैक्टर भी मैंने भी एक नाम बोला था, मैंने क्या बोला, हाफ पावर फैक्टर। अब ये हाफ पावर या अर्ध शक्ति क्या होती है, अर्ध शक्ति, मान के चलो कि कोई भी एक परिपथ है जिसमें तुम्हारी शक्ति आ रही है I2 × R, ये शक्ति R प्रतिरोध लगा हुआ है, Z भी लिख सकते हैं आप अगर LRC परिपथ हो तो। अब मेरे को पावर आधी करनी है, P/P/2 करना है तो धारा कितनी करनी होगी, सर धारा को I/√2 कर दो, क्योंकि I/√2 का स्क्वायर होगा, जैसे मान के सर मैंने लिखा यहाँ पे P' लिखा I/√2 का स्क्वायर इंटू R, तो क्या होगा I² × R/2, या ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2, ये अर्ध शक्ति आ गई, ये क्या गई, अर्ध शक्ति, तो अर्ध शक्ति जो आती है वो I/√2 धारा पर, I0/√2 धारा पर आई। अब क्या पाया गया नीट 2020 में, इसमें सवाल आया, 21 में सवाल आया, ध्यान से सुनना ना, क्या कि यहां पर ये जो शक्ति है, ये जो अर्ध शक्ति है उसके करस्पॉन्डिंग, उसके सामने यस अर्ध शक्ति के लिए जो धारा है उसके सामने कोई ना कोई आवृत्ति आ रही होगी, कोई ना कोई ओमेगा होगा, अरे कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो ओमेगा आएगा जिसके लिए धारा I0/√2 आएगी, शक्ति जो है वो आधी हो जाएगी। अब ये पाया गया कि जब हमारे पास ये ओमेगा नॉट से इधर और इधर तक हमारी आवृत्ति रहती है तब हमें हल्का फुल्का सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही हमारे परिपथ की शक्ति
पीमैक्स की आधी से कम हुई तो कुछ सुनाई नहीं देगा, खड़ 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 होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो ये यहां से यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी, ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू कहलाती है, इसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो एल बटा आर होती है। क्या होती है? एल बटा आर होती है ना, सॉरी आर बटा एल होती है, वही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आर बटा एल होती है, आर बटा एल होती है। ठीक है, डेल्टा ओमेगा, ओमेगा कहां से कहां तक, मतलब ये इधर, ये पूरा ओमेगा नॉट से यहां तक और ये यहां तक, है ना। इसे हम ओमेगा वन ओमेगा टू भी लिख सकते हैं। ये वो आवृत्तियां है जिससे कम और जिससे ज्यादा पर कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। ठीक, अब कंपनियां क्या करती है कि जैसे हमारे पास रेडियो मिर्ची वाला है, तो रेडियो मिर्ची वाला क्या चाहेगा? अच्छा, क्या चाहोगे तुम? कि तुम्हारा रेडियो जो है वो उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी सुनाई दे या बहुत गंदी सुनाई दे। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको रेडियो चैनल चलाना है हमारा, तो उसमें हमारे क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो अगर क्वालिटी बहुत बढ़िया करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए शक्ति, मतलब की जो शक्ति वो बढ़ानी पड़ेगी, मतलब वो जो हमारा रेडियो है उसमें ज्यादा शक्ति पहुंचे। तो अगर मुझे शक्ति बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी तो धारा बढ़ानी पड़ेगी, धारा मैक्सिमम धारा बढ़ानी पड़ेगी तो शक्ति बढ़ेगी। तो ये पाया गया कि यहां पर जब हम धारा कम रखते हैं तो शक्ति भी कम होती है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। फिर अगर मैंने धारा बढ़ाई तो शक्ति बढ़ेगी और ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। और अगर मैं शक्ति और बढ़ा दी और बढ़ा दी और बढ़ा दी तो ग्राफ कुछ एकदम स्टीप सा सीधा खड़ा ग्राफ बन जाता है यहां पर, है ना। और ये अगर मान के चलो मैंने I1 बोला, ये I2 बोला, ये I3 बोला, तो यहाँ पे I1 का मान जो है वो बहुत बड़ा है I2 से और वो बहुत बड़ा है I3 से। ठीक है, इन सब कंडीशन में अधिकतम शक्ति, मतलब मेरे कंपनी में 98.3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बजानी है, वो फ्रीक्वेंसी सेम ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्राहकों को बहुत अच्छी तरीके से चीजें सुनाई दे, तो उसके लिए क्या कर रहा हूं? मैं धारा बढ़ाऊंगा, तो धारा बढ़ाऊंगा तो देखो ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ जो है पिचकता जा रहा है। और जब मैं यहां पर पहुंचूंगा तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ थे, मतलब हाफ पावर फैक्टर है वो बहुत कम हो जाएगा ना, जो हाफ पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, मैं 98.3 से 98.4 हल्के से तक सुना सकता हूं। तो इधर से दो फायदे मिले, क्या कि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर रेडियो भी सुनाई दे रहा है और उसमें हमें पावर भी ज्यादा या हमें आउटपुट भी ज्यादा मिल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है। अब इसी में जो मैंने आपको समझाया वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, अर्धशक्ति आवृत्ति हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है? वह आवृत्तियां जिनके लिए शक्ति का मान अधिकतम मान का आधा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाफ पावर फैक्टर। अच्छा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, अगर मान के चलो मैंने बोला कि यहां पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जो होती, मैं एक बार ग्राफ बना देता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, आई और ओमेगा के बीच में ग्राफ फिर से बना देता हूं मैं। यहां पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जो होती, यहां पर धारा क्या होती? आई नॉट बटा रूट दो होगी थी, और ये वाली धारा क्या है? आई नॉट है। तो ये जो होगा, यह मान के चलो ओमेगा वन है, ये ओमेगा टू है और ये आई नॉट है। ये क्या है? आई नॉट है। तो अगर मेरे को ओमेगा वन निकालना है तो अगर यहां से यहां तक के लिए पूरा मैंने बोल दिया डेल्टा ओमेगा हो गया है। क्या हो गया? डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा क्या है? डेल्टा ओमेगा जो है बेटा वो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन है। क्या है? ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन है। अब मान के चलो मुझे ओमेगा नॉट के पदों में ओमेगा वन निकालना, तो ओमेगा वन ओमेगा टू डेल्टा ओमेगा और ये ओमेगा है। तो अब सोचो क्या होगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर देखो ध्यान से सोच कर बताओ, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन जो होगा, ये ओमेगा नॉट बड़ा है ओमेगा वन छोटा है, ये बराबर होगा डेल्टा ओमेगा बटे में दो। क्या मैंने सही लिखा? देखो क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा। ये यहां पर इसका आधा बटे, मतलब ये बटे में डेल्टा ओमेगा बटे में दो कर दीजिए, आधा हो गया इसका। तो यहां से ओमेगा वन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो ओमेगा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा वन की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बटे में दो, और ओमेगा टू की भी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बटे में दो। होमवर्क, पता करो ये कैसे निकाला मैंने। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, इतना क्या सोच रहे हो? ये डेल्टा ओमेगा है, ये क्या है? ये डेल्टा ओमेगा पूरा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बटे में दो। तो ओमेगा नॉट से ओमेगा वन कैसे पहुंचेंगे? इसमें से माइनस कर लो,
ओमेगा नॉट से ओमेगा टू, ओमेगा टू कैसे पहुंचेंगे, ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बटे में दो कर लो, प्लस कर लो उसमें माइनस कर लो, आंसर आ गया। क्लियर है मामला? तो ये सब मुझे पता होना चाहिए। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है, जिसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर एक्चुअल में ये जो मैंने बताया ना, इसकी शार्पनेस, ये मतलब इसकी धारा, अधिकतम धारा बढ़ रही है, मतलब कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है। इसमें अगर मैं क्वालिटी फैक्टर देखूं तो सबसे बढ़िया क्वालिटी फैक्टर किसका है? पहले वाले का। मतलब कुल मिला के अगर मैंने प्रतिरोध कम कर लिया तो धारा बढ़ जाएगी। अधिकतम धारा कब आ रही है? यहाँ पर जेड मिनिमम कब आया था? जब आई मैक्सिमम था। और जेड मिनिमम कितना था मुझे पता है, थोड़ा सा अजीब है ना, लेकिन इसमें फॉर्मूले फॉर्मूले ध्यान रखना। जेड मिनिमम, अगर मुझे जेड को कम करना है तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, तो धारा अपने आप बढ़ जाएगी। तो प्रतिरोध कम करते जाऊंगा तो धारा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, धारा और बेहतर हो जाएगी और ज्यादा आ जाएगी। धारा ज्यादा आ जाएगी तो मेरे लिए शक्ति ज्यादा आ जाएगी। तो ये कैसे मापेंगे? तो इसको मापने के लिए हम एक पद लिखा है जिसे बोलते हैं विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर की कई परिभाषाएं होती है, क्वालिटी फैक्टर की कई परिभाषाएं होती है, बहुत सारे रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे इसे हम परिभाषित करते, जैसे ये परिभाषा बहुत फेमस है, क्या है? ये होता है एक्सेल बटे में आर या एक्सी बटे में आर, दोनों बातें बराबर। एक्सेल लिखो, एक्सी लिखो, आंसर वही आएगा, है ना? क्योंकि ओमेगा या फ्रीक्वेंसी जो है, हम वह कब लिख रहे हैं? हमारे अनुनाद आवृत्ति के लिए बात करेंगे। तो इसका क्या होता है चक्कर? इसका चक्कर होता है कि एक चक्कर में कितनी ऊर्जा यह क्षय कर देगा और कितनी ऊर्जा संग्रहित कर लेगा। तो यह जगह अधिकतम संग्रहित ऊर्जा प्रति चक्कर बटे में अधिकतम ऊर्जा क्षय प्रति चक्कर, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी बता रहा है हमें, है ना? कि देखो, अगर मान के चलो उसने प्रति चक्कर क्वालिटी और अच्छी करनी, तो प्रति चक्कर बचाओ ज्यादा, खर्च कम करो, तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो वही वाली बात है कि अगर यहां पर ये बढ़ गया, ये घट गया, तो ये क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर संग्रहित ज्यादा कर रहा है तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, क्षय कम कर रहा है तो भी क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा। अच्छा, अब यहां पर हो जाए ये जो संग्रहित कर रहा है उसे क्या लिख सकते हैं? ये एक्सेल है और ये क्या है? एक्सी है। तो ये हो जाएगा एक्सेल बटे में आर, ये हो जाएगा एक्सी बटे में आर हो जाएगा। ओके सर, अब एक्सेल और एक्सी की जगह अगर हम एक्सेल की जगह लिखेंगे तो ओमेगा एल लिखेंगे, यहाँ पर एक्सी की जगह लिखेंगे तो एक बटा ओमेगा सी लिखेंगे, और वहां पे जो आवृत्ति आएगा या ओमेगा आएगा, उस ओमेगा को क्या लिखेंगे? देखो, ये लिखा हुआ है ओमेगा सी, ओमेगा नॉट इंटू एल बटे में आर, या मैं लिख सकता हूं इसे एक बटा ओमेगा नॉट इंटू सी बटे में आर। अब ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट जो है वो है एक बटा अंडर रूट एल सी। तो ये वैल्यू उठाकर रखो यहां पर, तो ये वैल्यू जैसे ही उठाकर रखोगे बेटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, किसी एक को सॉल्व कर देता हूं, अंडर रूट एल सी इंटू एल बटे में आर तो है ही है, तो ये एक रूट एल और ये एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पे रूट एल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं इसे लिख सकता हूं, देखो ऊपर बचेगा एक रूट एल बचेगा और नीचे एक सी बचेगा और यहां एक बटा आर। ये है हमारा क्वालिटी फैक्टर क्यू। ये अगर आपको आधी नींद में भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये क्या है? क्वालिटी फैक्टर है क्यू। क्वालिटी फैक्टर होता है वन बाय आर अंडर रूट एल बटे में सी, क्वालिटी फैक्टर होता है। अगर हम चाहे, ये पहली परिभाषा होती है, इसके अलावा हम चाहे तो इसे आवृत्ति के पदों में भी परिभाषित क्या कर सकते, क्या लिख सकते? Q जो होता है ओमेगा नॉट बटे में डेल्टा ओमेगा, ना डेल्टा ओमेगा, ये होगा ओमेगा नॉट बटे में डेल्टा ओमेगा। प्लीज एक और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वाला टॉपिक यार, ये वाली बात और कहीं से मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा आप पढ़ोगे, अब डेल्टा ओमेगा आप पढ़ोगे तो डेल्टा ओमेगा कहीं कहीं पर, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है ये पूरा डेल्टा ओमेगा, मैंने डेल्टा ओमेगा को क्या परिभाषित किया? ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, यहां से यहां तक की पूरी ओमेगा में डिफरेंस जो है डेल्टा ओमेगा बोला है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके आधे को डेल्टा ओमेगा बोल देते, मतलब वो मेरे लिए डेल्टा ओमेगा बाय 2 हो जाएगा, तो वहां पर फॉर्मूले में कहेंगे ओमेगा नॉट बटे में 2 डेल्टा ओमेगा, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या, आप उस पूरे को डेल्टा ओमेगा बोलो। तो ये क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू। सवाल क्या आएगा? यही आएगा, ये पूछ लेगा क्यू क्या है, इसमें से कोई सा एक समीकरण पूछ लेगा वगैरह, ऐसी छोटी छोटी सी बातें सवालों में पूछी जाती है। इस पर आधारित एक दो सवाल भी मैं आपको करवा देता हूं। जैसे देखो यहाँ पे बोला हुआ है एलसीआर परिपथ की अनुनाद आवृत्ति जो है वह 500 किलो हर्ट्ज है।
एल को दुगना तथा सी को आरंभ के मान का 1/8 तक घटा दिया जाए तो नई अनुनाद आवृत्ति किलोहर्ट्ज में कितनी हो जाएगी। तो देखो क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखते हैं सर। अच्छा ओमेगा लिखो या सी एफ लिखो, क्योंकि वैसे एफ लिख देते आवृत्ति दी गई उसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एल सी। अब देखो क्या होगा नई वाली आवृत्ति के लिए, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट। अच्छा एल क्या किया है, एल को दुगना किया तो 12 हो गया है और सी को 1/8 कर दिया है तो ये हो गया 4। तो ये 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 पलटिका के ऊपर चले जाएगा तो जाएगा 2/2 अंडर रूट एल सी। 2 से 2 मत काट देना मूर्ख, ये है एफ नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, ये है इंटू 1 करो तो ये पूरा जो है ये एफ नॉट है मेरे लिए, ये पूरा क्या है एफ नॉट है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2F0, मतलब क्या हो गया यह दुगनी हो गई, तो 2F0 मतलब 1000 किलोहर्ट्ज हो गया। क्लियर है मामला, तो ऐसी कुछ कहानियां मुझे पता होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल कर लेते, नीट 2022 का जोरदार सवाल है ना, क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला है यहां पर मेरे पास एक 10 हेनरी, मेरे पास एक 10 हेनरी प्रेरक, 10 माइक्रोफेरेड धारिता और 50 किलो ओम प्रतिरोध वाला एक श्रेणीबद्ध एलआरसी परिपथ है, वोल्टेज वाले एक परिपथ में यह सब जुड़ा हुआ है। अच्छा फिर आपको बोलना बनाना है कि इसकी अनुनाद आवृत्ति क्या है और स्रोत की आवृत्ति क्या है, तो स्रोत की आवृत्ति या अनुनाद आवृत्ति दोनों निकाल सकते हैं। स्रोत की आवृत्ति कैसे निकलेगी, स्रोत की आवृत्ति निकाल सकते सर, यह है ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है हमें 100, तो f क्या, ये 2πf बराबर होगा 100 के, या f कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 50, तो जाएगा 50/πf, यह स्रोत की आवृत्ति होगी। ठीक है अब अनुनाद आवृत्ति की क्या परिभाषा पढ़ी, अनुनाद आवृत्ति क्या पढ़ा हमने, अनुनाद आवृत्ति पढ़ा सर 1/2 अंडर रूट एल सी। अच्छा अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये रेजोनेंस में है अनुनाद में, और अगर बराबर नहीं है तो ये अनुनाद में नहीं है, रेडियो सुनाई नहीं देगा। ये होगा 1/2 अंडर रूट एल, कितना है एल है मेरे पास 10 एन टू, ये कितना है 10 × 10⁻⁶। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये -6 जो है रूट के बाहर जाएगा तो -3 बचाएगा, और -3 ऊपर जाके हो जाएगा 10³ 2π। अब देखो ये क्या है, ये है सर 100 या 10 × 10, रूट के बाहर आएगा तो 10 बचेगा तो ये एक जीरो और कट गया, तो यहां पे आ गया 100/2π या हो गया 50/π। ओए होए होए ये तो बराबर आ गया, 50/π मतलब कि यह अनुनाद की स्थिति भी है। ओके एक और लास्ट सवाल देखो, नीट 2020-21 लगातार सवाल आ रहे इस कंसेप्ट पे, और बिल्कुल आसान सा बेसिक सा सवाल, फॉर्मूला पर आधारित सवाल। देखो एक और सवाल, सवाल में क्या बोला हुआ है, यहां पर हमें बोला है कि मेरे पास एक एलआरसी परिपथ है जिसमें ये इतने हेनरी 0.5 हेनरी का प्रेरक लगा हुआ है, 80 माइक्रोफेरड का धारिता संधारित्र है और 40 ओम प्रतिरोध है जो 230 वोल्टेज पर लगा हुआ है ना, परिवर्तीय प्रतिवर्ती स्रोत पर लगा हुआ है, अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी स्थानांतरित करने वाली स्रोत की कोणीय आवृत्ति क्या होगी, मतलब क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये होता है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा 2 और ओमेगा 2 पूछा है ये होगा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा 2, ये दोनों पूछा है हमसे। क्लियर है मामला, चलिए तो एक बार ये सवाल बढ़िया था, इसके पहले मैंने और भी दूसरे सवाल लेता था मैं, लेकिन अब 2021 में ये सवाल आ ही गया है तो हम इसी को सॉल्व करवा देते हैं आपको, मतलब पहले वाले जो बैचेस लिए थे हमने उसमें एक और सवाल करवाते थे वो भी इसके जैसा ही था ना, तो इससे कब ऐसा सवाल 21 में आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब ओमेगा नॉट निकालो, ओमेगा नॉट होगा 1/√LC, अब 1/√LC तो ये कितना हो जाएगा 1/√L, एल का मान कितना है 0.5, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको आप हर जगह करेक्ट कर लेना सर, आपको कैसे पता रहता है, अरे भैया हमने करे नहीं क्या सवाल कभी, ये कर लो 5 हेनरी,
मन से नहीं बना रहा हूं, 5 हेनरी। तो ये हो जाएगा 5 × C। C कितना है? 80 माइक्रोफैरड। 80 × 10⁻⁶। ओके सर, तो अब कितना हो जाएगा यहां से हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा? देखो वैसे ओमेगा नॉट नहीं भी निकालो ना, तो मेरे पास एक और इसका एसपी स्टार है। क्या बताता हूं, पहले ओमेगा नॉट निकालो। तो लगभग ओमेगा नॉट का मान कितना आ जाएगा? वैसे निकाल नहीं पाओगे, ये हो जाएगा 10³ ऊपर चले जाएगा बटे में √5 × 80। सर 10³ बटे में √5 × 80। तो 5 × 80 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर यहाँ पे 5 × 8, मतलब 400। हाँ और अच्छा माना गया, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या 400, तो 400 का वर्गमूल हम लिख सकते 20। तो हो जाएगा यहाँ पर 10³ × 20। तो कितना आ गया ये? 1000/20, या 0 से 0 कट गया, ये आ गया यहाँ पर 50 रेडियन/सेकंड। नहीं भी आता तो मेरे पास एक एसपी स्टार था, बताता हूँ कैसे। देख लो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मल्टीप्लाई करा, बस मल्टीप्लाई करा। मेरी तरफ से मत देखो कि सर इतने जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी बोल देते हैं। ये 5 × 8 = 40 होता है, ये हमने इसका वर्गमूल ले लिया, ये 20 आ गया। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा नॉट तो आ गया, डेल्टा ओमेगा निकालेंगे। डेल्टा ओमेगा का मैंने आपको सूत्र बताया था, ये था R/L। तो R कितना है? R है 40/L है 5, मतलब कितना हो गया ये? ये हो गया सर 8। डेल्टा ओमेगा 8 रेडियन/सेकंड आया है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि ओमेगा नॉट कहीं बीच में था, ओमेगा नॉट के 4 उधर और 4 इधर मेरे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 उधर और 4 इधर, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओमेगा 1 - ओमेगा 2 8 है। तो ये इनमें से कुछ एक ओमेगा 1 है, कुछ ओमेगा 2 है, दोनों को माइनस कर करके देख लो कहां पे 8 आंसर आ रहा है, वही आंसर है बस। अरे कहां लगे हो चक्कर में, वैसे इससे भी आगे सॉल्व होगा, लेकिन मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बता दिया। क्या? डेल्टा ओमेगा निकालो, आर बटे, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सॉल्यूशन में करते, इसलिए मैंने बता दिया। डेल्टा ओमेगा निकालो, आर बटे में एल, बस वही आंसर होगा। आर बटे में एल आ गया 8, तो इन दोनों को माइनस करने पे 8 आना चाहिए। इसको 8 नहीं आ रहा, इसमें, हाँ सर इसमें 8 आ रहा है, इसमें पता नहीं 25 आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, तो इसमें कोई आंसर नहीं होगा, 8 वाला ही आंसर होगा। बाकी तुम चाहो तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख लो, कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट हो जाएगा सर 50 + 8/2, तो गया 54 रेडियन/सेकंड। 50 - 8/2 हो गया 46। कहानी कदम, पैसा आ जाऊ, आगे बढ़ो, खुश रहो। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट सी बात थी। चलिए, हाँ मुझे पता है कुछ 5-7 मिनट और ऊपर हो जाएंगे, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आज की क्लास का और इस चैप्टर का, जिसके अंदर एलसी ऑसिलेशन या एलसी दोलन। अच्छा अब इस टॉपिक में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वैसे इस टॉपिक में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लास 11 का दोलन पढ़ा हो तो ये चुटकियों में समझ में आ जाता है, और अगर नहीं पढ़ा हो तो दोलन पढ़ के आ जाओ, फिर से चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने दोलन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आने वाले समय पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ लिया है तो ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ओके सर, तो यहां पर ये क्या चल रहा है, पहले तो ये समझते हैं ना क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी, एक एसी स्रोत था, प्रत्यावर्ती स्रोत था, और उसके बाद में, या एसी स्रोत की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक डीसी स्रोत लिया और उस डीसी स्रोत से मैंने यहाँ पर एक संधारित्र को आवेशित कर दिया। एक्चुअल में इससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। ये माइनस प्लस से मैंने आवेश कर दिया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अरे उसे कितना देखो, गया मैं जो बोल रहा हूं उसे सुन लो, उसे ही देखे जा रहे हो सर, मजा आ रहा है देखो। अब इसके साथ में मैंने एक प्रेरक ले लिया है ना, और यहां पर से ये पूरा आवेशित हो गया, तो मैंने इसको खोल दिया, इसको खोल दिया। तो इसको खोलने के बाद में क्या हुआ, अब ये प्रेरक इससे जुड़ा हुआ है, यहां पर से मैंने इसका स्विच खोल दिया, अब ये बैटरी का कुछ काम नहीं है। अब प्रेरक और संधारित्र है, तो प्रेरक क्या करेगा? देखो प्रेरक जो है, और ऐसा मत देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के में, विद्युत क्षेत्र के रूप में इसके पास ऊर्जा संचित थी। अब ये ऊर्जा प्रेरक को देगा, तो प्रेरक क्या बोलेगा, ना 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 ना, मैं धारा नहीं लूंगा, तो ये इसे विपरीत दिशा में विरोध करेगा। अब ना तो प्रेरक ना तो संधारित्र ऊर्जा में हानि करवाते हैं, ये दोनों ऊर्जा संचित करते हैं, तो क्या होगा,
धीरे 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 इसमें से पूरी ऊर्जा जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आ जाएगी या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के रूप में ऊर्जा संचित हो जाएगी। फिर जैसे ही इसे लगेगा ओहो इसके पास तो ऊर्जा खत्म हो गई है तो ये क्या करेगा ये या धारा आना कम हो गई तो जैसे कम होने लगेगी तो ये बढ़ाने की कोशिश उल्टा करता है हमेशा तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा बढ़ाएगा 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 धीरे 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 इसमें धारा बढ़ाएगा तो बढ़ाते 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 क्या हो जाएगा यहां पर ये वाली प्लेट जो है पूरी पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। फिर थोड़ी ही देर में स्पेस में सब कुछ खत्म इसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। फिर अल्टीमेटली क्या होगा फिर अल्टीमेटली यहां पर ये पूरा पॉजिटिव बन गया। अब ये बोलेगा ओहो मेरे पास तो आवेश आ गया मैं अब आवेश दूंगा तो ये आवेश देना शुरू करेगा तो इसे फिर ये विपरीत दिशा में क्या करेगा सर ये विपरीत दिशा में बैटरी बनाकर इसमें इसका विरोध करेगा धीरे धीरे इस पे आवेश खत्म होते जाएगा पूरा आवेश खत्म हो गया। अब जैसे ही आवेश खत्म हुआ तो ये इसको लगेगा अरे रे 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 आवेश तो खत्म हो गया तो मुझे अब देना चाहिए विपरीत दिशा में तो इधर अब धारा की दिशा क्या है ऐसी है धारा की दिशा धारा इधर जा रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव धारा जा रही थी अब धारा धीरे धीरे खत्म हो गई तो नहीं नहीं मैं तो धारा बढ़ाऊंगा इसी दिशा में तो इसी दिशा में धारा फिर बढ़ाने लगता है तो धारा बढ़ाने लगेगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा अल्टीमेटली धारा की दिशा फिर पलट जाएगी और धारा की दिशा अच्छा अभी नहीं पलटी अभी तो इधर ही है फिर धारा ऐसी घूमेगी और अल्टीमेटली फिर से पॉजिटिव 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 कर दिया जाएगा नेगेटिव 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 कर दिया तो ये इसके पास फिर से चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। फिर क्या होगा फिर धारा बोलेगी ये संधारित्र बोलेगा आओ मेरे पास पॉजिटिव आवेश आ गया है तब ये इस दिशा में धारा प्रवाहित करवाने लगा फिर ये बोलेगा नहीं 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 रुक जा रुक जा और ये कहानी अनंत समय तक चलती रहेगी। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली ये थोड़ा सा यहाँ पर वही समझाया गया है कि यहाँ पर देखो ये पूरा पॉजिटिव होता है इस पे आवेश आता है फिर ये आवेश देता है ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाता है तो विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय चुंबक विद्युत विद्युत चुंबक चुंबक विद्युत विद्युत चुंबक ऐसा ही चलता रहता है 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 हमेशा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल में दोलन हो रहा है ऑसिलेशन हो रहा है किसके बीच में ऑसिलेशन हो रहा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हो रहा है मतलब यहां से विद्युत क्षेत्र के रूप से ऊर्जा चुंबकीय में जाती है और चुंबकीय से फिर विद्युत आ जाती है फिर विद्युत से चुंबकीय ये तो दिशा बदल रही है दिशा बदलती जाएगी हमेशा। क्लियर है तो उस चीज को और आराम से हम ऐसा समझ सकते हैं जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव आवेश आ गया यहाँ पे नेगेटिव आ गया अब क्या होगा ये धीरे धीरे धारा इसमें से जाएगी तो ये इसमें आवेश कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा बढ़ती जाएगी फिर अल्टीमेटली इसके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा फिर इसके पास चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा आ जाएगी। अब इसे लगेगा ये बुरा लगेगा अरे नहीं मैंने इसकी पूरी ऊर्जा खा ली तो बोलेगा चलो ठीक है मैं तुम्हें और धारा देना शुरू करता हूँ तो धारा देना शुरू करेगा और अल्टीमेटली फिर ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा पॉजिटिव हो गया इसके पास खत्म होगा फिर ये इसे देगा और ये पूरी साइकिल यहां से रिवर्स वहां तक चली जाएगी तो ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब दोलन जो है वो कक्षा 11वीं में एक चैप्टर होता है सेकंड लास्ट चैप्टर होता है तरंग के पहले दोलन तो दोलन चैप्टर में हम ये सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पर है ना। जैसे यह क्या है ये किसके जैसा है यह एक्चुअल में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा है कि अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा तो इसके पास क्या ऊर्जा संचित है विद्युत क्षेत्र के रूप में या ये संचित ऊर्जा है जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये ब्लॉक इस तरफ जाने लगेगा मतलब इसमें ऊर्जा जो है वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उछल कूद कर रही है। यहां पर जो ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में उछल कूद करती है जैसे यहां पर अभी केवल विद्युत ऊर्जा यहाँ पे केवल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा शून्य मतलब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय ऊर्जा शून्य है यहाँ पर दोनों थोड़ी थोड़ी आ गई है। यहाँ पर जैसे ये माध्य स्थिति से गुजरता है मतलब इसके पास गतिज ऊर्जा है इसके पास स्थितिज खत्म हो गई है तो यहाँ पे स्थितिज खत्म हो गई है और गतिज ऊर्जा है मतलब इसके पास केवल चुंबकीय ऊर्जा है फिर यही ऊर्जा वे वापस से दूसरे रूप में स्थानांतरित होगी तो यही कहानी हमेशा चलती रहेगी। अब समस्या ये आती है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो दोलन हो रहा है इनके समीकरण क्या होते हैं तो देखो बेटा जो आवेश में परिवर्तन होता है उसका समीकरण होता है क्यू बराबर क्यू नॉट ओमेगा टी के हिसाब से आवेश कम ज्यादा होता है मतलब क्या होता है हर एक चक्कर में जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने एक चक्कर बनाने की कोशिश करी तो आवेश पहले अधिकतम था फिर आवेश शून्य हुआ फिर नेगेटिव हुआ फिर बढ़ेगा और यही कहानी आगे तक चलती जाएगी। ये क्यू और टी के मध्य संबंध होता है और जो धारा वो होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी क्यों क्योंकि जब मेरे पास आवेश अधिकतम होता है
तो धारा चुंबक, धारा जो है वह प्रेरक के पास क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। फिर उसके बाद में जब आवेश शून्य होगा तो धारा अधिकतम हो जाती है, और यही कहानी आगे तक चलती जाती है। मतलब जैसे यह एक चौथाई चक्कर में धारा अधिकतम हो गई, आवेश शून्य हो गया, फिर आवेश नेगेटिव हो गया, धारा शून्य हो गई, फिर आवेश शून्य हो गया, धारा अधिकतम हो गई लेकिन विपरीत दिशा में हो गई, फिर धारा शून्य हो गई, आवेश अधिकतम हो गया। तो यही कहानी आगे तक चलती जाएगी चलती जाएगी। ये पूरा यहां से यहां तक में एक चक्कर कंप्लीट हो गया इसका, क्लियर है। तो ये समीकरण जो है ये एक्चुअल में SHM के समीकरण भी होते हैं, सरल आवर्त गति में यही समीकरण काम आएंगे। अब इसमें आपको कभी भी किसी भी क्षण पे ऊर्जा पूछे, ऊर्जा तो ऊर्जा क्या लिखोगे, ये होती है हाफ क्यू स्क्वायर बटे में सी, तो इसे लिख सकते हैं, ये विद्युत ऊर्जा है किसी भी क्षण पर, ये हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू, अच्छा ये हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बटे में टू सी, और यहां पर चुंबकीय क्या हो जाएगी, चुंबकीय ऊर्जा हाफ एल आई स्क्वायर दी जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर से दी जाएगी, तो हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर जो हो जाएगा वो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट से समीकरण या इंपॉर्टेंट से ऊर्जाओं को लेकर बातें होती है, तो ये ऐसा का ऐसा हमें पता होना चाहिए। बस ये पता होना चाहिए कब ये शून्य हो रहा है, कब ये अधिकतम हो रहा है। अब इन सब में एक ओमेगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक ओमेगा मतलब कौन सी आवृत्ति होती है। तो भगवान की असीम कृपा से ये वैल्यू भी, जो अनुनाद आवृत्ति हमने पिछली बार पढ़ी थी, वही आती है। अच्छा ये अनुनाद नहीं हो रहा यहां पर, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि यहां पर जो आवृत्ति होती है बेटा, वह हमारे पास जो पहले से आवृत्ति मौजूद है उसी के बराबर होती है, ओमेगा के बराबर, या कोणीय आवृत्ति, या हम एफ बराबर लिख सकते हैं 1/2 pi√LC। तो ऐसा पूछ सकते हैं दोलन आवृत्ति कितनी है, ये क्या है दोलन आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में कितनी बार दोलन हो जाएगा, एक सेकंड में कितनी बार इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक, तो ये कितनी बार हो जाएगा एक सेकंड में, इससे हम निकाल सकते हैं सूत्र से। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे दो चीजें हमने पढ़ ली, एक यांत्रिक निकाय पढ़ लिया और एक विद्युत निकाय पढ़ लिया, तो यांत्रिक और विद्युत में कुछ बातें सेम हो जाती है। जैसे वहां द्रव्यमान था, यहां पे हमारे लिए प्रेरकत्व होता है, वहां पर हमारे पास बल नियतांक था, बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक था, यहां पर हमारे पास 1/c जो होता है वो हमारे स्प्रिंग नियतांक जैसा होता है, वहां विस्थापन था, यहां किसका विस्थापन हो रहा है आवेश का, वहां पर वेग था dx/dt, तो यहां पे धारा है dq/dt। तो इसमें से क्या पूछा जाता है, दो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात कि द्रव्यमान कौन है, द्रव्यमान जो है वो प्रेरक के अनुदिश है या उसके जैसा है, और बल नियतांक जो है वो किसके जैसा है यहां पर, तो बल नियतांक जो होगा वो 1/c के जैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी दो बातें हमसे पूछी जाती है। बाकी ऊर्जा मैंने आपको लिखना सिखा दी, हाफ क्यू स्क्वायर बटा टू सी, हाफ एल आई स्क्वायर, इसमें ऊर्जा होती है हाफ के एक स्क्वायर विद्युत की, और सॉरी ये हाफ के एक स्क्वायर जो होती है वो हमारे पास स्प्रिंग की होती है, और हाफ एमवी स्क्वायर जो होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा होती है। ये अगर आपको थोड़ा सा कम फील आता है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है, ये एक्चुअल में हम आने वाले समय में फिर से इसे देखेंगे, हम इसे जब दोलन पढ़ेंगे तब मैं इसको और थोड़ा सा वहां पर भी रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर है मामला। चलिए तो हम आ जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट से सवाल लेना चाहेंगे क्विज के रूप में। क्विज का पहला सवाल आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, हाँ जल्दी से बताएंगे जवाब, ध्यान से देखो सवाल को, ऐसा ही सवाल हमने क्या किया, किया सा सवाल है, बस रूप बदल दिया मैंने, एक्सएल और एक्सी बराबर है, मतलब वीएल और वीसी बराबर है, मतलब अनुनाद हो रहा है,
एक और सवाल देख लेते हैं, शक्ति गुणांक बताना आपको परिपथ का। वीएल दिया हुआ है, वीसी दिया हुआ है, वीआर दिया हुआ है। अब देखते कौन सोच पाता है वीएल वीसी और वीआर के पदों में। हमने आर बटा जेड लिखा हुआ है, अब उसी को सोचो वीएल वीसी के पदों में क्या लिख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, आर और एल में प्रेरकीय प्रतिघात, यदि आर तथा प्रेरकीय प्रतिघात दोनों बराबर हैं तो आपको बताना है कि कलांतर क्या होगा। चलिए वेरी लास्ट क्वेश्चन, एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सॉरी एल निकालना है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। एक बटा फॉर्मूला बता देता हूं, एक बटा आर अंडर रूट एल बाय सी, क्यू का मान होता है। एक बटा आर अंडर रूट एल बाय सी। चल जवाब जान लेते हैं चारों सवाल के। यहां पर तो आसान सवाल है, ये दोनों बराबर हैं तो सर क्या होगा, ये 200, ये 50, अच्छा यहां पे 220 वोल्ट है ना, ये 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट जो है ना, आपको क्वेश्चन में सही आया होगा 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट जो है वो किससे मिल रहा है सर, ये 220 वोल्ट जो है पूरा पूरा आर को मिलेगा, मतलब 220 वाला हमारा आंसर होगा। उसके बाद में धारा निकालने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, सभी में वोल्ट का अलग अलग दी हुई है, बाकी धारा आप निकाल सकते हो। यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, वी बटे में आर से, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्लास में, आए है धारा हो जाएगी वी, निकाल सकते हो वी बटे में आर से, और ऐसा क्वेश्चन किया है हमने क्लास में। आर की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है सर 220 बटे में 100, 2.2 एम्पीयर। ओके सर, और सवाल, हमें शक्ति गुणांक निकालना, तो देखो हमारे लिए क्या दिया हुआ है, हमें अगर मैं वो ट्रायंगल बनाऊं तो ये फाई होता है, अच्छा हमें दिया हुआ है यहाँ पर एलआरसी परिपथ, जो प्रतिरोध में दिया हुआ है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें वीआर दिया हुआ है, ये 80 वोल्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद में वीसी दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है, वीसी जो है वो 40 वोल्ट दिया हुआ है, और वी एल जो है वो दिया हुआ है 100 वोल्ट। अच्छा तो अब हम यहां पर क्या क्या निकाल सकते हैं, अच्छा सर यहां पर पहले अगर मुझे cos phi निकालना है, तो cos phi जहां तक मुझे याद है वो होता था r बटे में z, तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं vr बटे में v, टोटल v, क्या लिख सकता हूं vr बटे में टोटल v, क्योंकि ये मेरे लिए टोटल v आ जाएगा, ये मेरे लिए vr हो जाएगा, और यहां पे vl माइनस vc हो जाएगा। अच्छा अब v क्या लिख सकता हूं मैं, v ये लिख सकता हूं vr, vr कितना है मेरे पास, vr है 80 बटे में अंडर रूट में 80 का वर्ग प्लस 100 माइनस 40 का वर्ग, तो हो जाएगा 80 बटे में वर्गमूल 80 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, ये हो जाएगा 100। अपन सब जानता है ये हो जाएगा 0.8। सर आप याद भी याद करके आते हो क्या, अरे नहीं मूर्ख, अभी बताया था मैंने तुझे, 3, 4, 5 का जो त्रिभुज, मतलब 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग का वर्गमूल 5 होता है, तो वैसे ही यहां पर 6, 8 अगर होगा तो उसका वर्गमूल, इन दोनों के वर्ग का वर्गमूल जो
इन दोनों के वर्ग को योग करके वर्गमूल लोगे तो 10 आएगा। तो वैसे यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ 80 होगा तो यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ 30 होता है यहाँ 40 होता है तो यहाँ 50 आता है। हो गए बल्ले बल्ले। यहां पर हमें दिया हुआ है कि अगर मेरे पास R और L, मतलब R बराबर है एक्सेल के, ये दिया हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहां पर ऐसा कुछ त्रिभुज हम बनाते हैं, ये एक्सेल होता है, ये R होता है, ये Z होता है, C तो है ही नहीं परिपथ में, तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो कोण कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, कहानी खत्म हो गई। फाई का मान कितना आएगा 45 डिग्री या पाई बाय 4 आएगा। क्लियर है मामला? ओके सर। हमें यहां पर Q बराबर दिया हुआ होता है 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, तो Q कितना है, Q जो है 0.4 है, ये हो गया 1 बटे में R, R कितना है 2000 इंटू L, L कितना है, L है मेरे पास, L निकालना है, C कितना है, C है मेरे पास 0.1 इंटू 10 की पावर -6, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे निकालू, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 2000 अंडर रूट एल अपॉन में 0.1 इंटू 10 की पावर -6, इसको ऐसा कैसा रहने दो, ये यहां से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2 × 4 = 8 आ जाएगा, तो 8 के आगे 20 का वर्ग कर दो, ये बराबर होगा एल अपॉन में 0.1 इंटू 10 की पावर -6, क्यों रूट हट गया वर्ग वर्ग लगाने पे, 64000 इंटू 0.1 इंटू 10 के पार -6, ये मेरा एल आ चुका है। तो देखो कितने जीरो जाएंगे, तुम जीरो गिनो मेरा तो आंसर आ चुका है क्योंकि 64 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी हम कर भी सकते हैं। देखो ये एक जीरो उड़ा देगा, अभी 6 लगाने थे, 1 2 3 4 5 6, तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तो 0.064 हेनरी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। ओके, वी हैव फिनिश्ड अप विद दिस चैप्टर, कांग्रेचुलेशंस, हमने एसी परिपथ खत्म कर दिया है। हम अगली क्लास मिलेंगे एक बहुत 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 धमाकेदार चैप्टर में जो पूरे फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते अगली क्लास में एक नए रोमांचकारी चैप्टर के साथ, जितना बड़ा रिवाइज करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।